हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका वोगले लाइव यूट्यूब क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी रिपब्लिक डे माय फ्रेंड्स, लविंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल दोस्तों? हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार साहू स्वागत करता हूँ आप सबका वोगले लाइव यूट्यूब क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको इम्पोर्टेंट सेशन बढ़ाने, दूसरा इम्पोर्टेंट क्लास है ये कम्बाइंड एम्स का, यानी कंबाइंड एम्स के क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन का सेकंड लेक्चर आप आज अटेंड करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी पहले लेक्चर जो मैं ले चुका हूं, उन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली आप रिव्यू करते रहिएगा, जो एम्स ऋषिकेश के समय लिए गए थे और जो अभी करंट लेक्चर चल रहे हैं। दोनों लेक्चर्स आपको एम्स दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले हैं। तो जस्ट एम्स दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉफिट हमें अचीव करने के लिए दोनों टाइप के लेक्चर्स को रिव्यू करते रहना है, यानी प्रीवियस लेक्चर्स को भी और करंट में जो क्लास चल रहा है उसको भी आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहिएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे और काफी शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। तो जो आज क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, और बच्चों ध्यान रखिएगा, उन टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वाइटल साइन का पूरा शॉर्ट में रिव्यू करेंगे, देन उसके बाद हम इंफ्लामेशन, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, देन बच्चे जैक्सन प्रैट वगैरह, कुछ मैथ्स क्वेश्चंस आज के लेक्चर में होंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और आने वाले एम्स के एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप जिपमर पीजीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं कंबाइंड एम्स की प्रिपरेशन, दोनों एग्जाम्स के अंदर करीब आपको 10 क्वेश्चन इस सेशन से, इस क्लास से, एक सिंगल क्लास से मिलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं गाइस, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। लेक्चर बड़ा होगा, बड़ा लेक्चर है, लेकिन लास्ट तक अटेंड करिएगा, तभी जाकर के पूरी टॉपिक्स क्लेरिफाई हो पाएंगे। तो चलिएगा, बात शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। दिस ट्यूब या कैथेटर इज यूज्ड इन, आपको बताना है कि दिस ट्यूब या कैथेटर दैट इज यूज्ड इन क्या यूज होता है। तो जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसका क्या यूज है, और ये इमेज क्या कहलाता है, ये कैथेटर क्या कहलाता है। जस्ट इसमें एक शंट वॉल्व होता है बच्चे, एक कैथेटर होता है, वेंट्रिक्यूलर कैथेटर होता है, और एक डिस्टल कैथेटर होता है। तो डिस्टल कैथेटर एंड वेंट्रिक्यूलर कैथेटर और शंट, इस तरह का जो इमेज आपको दिखे ये है शंट कनेक्शन। ये एक शंट क्या कर रहा है, दो कैथेटर्स को आपस में जोड़ता है। तो शंट क्या कर रहा है, टू कैथेटर्स को आपस में जोड़ रहा है, वेंट्रिक्यूलर कैथेटर को और डिस्टल कैथेटर को। बच्चा ये जो कैथेटर है ये कहलाता है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। क्या कहलाता है, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का क्या यूज है, जस्ट वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का यूज क्या है बच्चा, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, इट इज अ वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, मोस्ट कॉमन शंट फॉर द हाइड्रोसिफेलस एंड इंसर्टेड इन टू द लेटरल वेंट्रिकल एंड कनेक्टेड विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो जस्ट जानिएगा इसको कहां पर, ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल से, ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल से इसको कनेक्ट करके कहां पर कनेक्ट करते हैं गाइस, इसको कनेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। बच्चों पेरिटोनियल कैविटी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस कैथेटर का यूज करते हैं, शंट का यूज करते हैं। ये शंट किन के लिए, कौन सी डिजीज के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है, तो जस्ट इट इज नीडेड इन केस ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। बच्चों यानी हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट्स में ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेटेड एक्सेसिव फ्लूड को ड्रेन किया जाता है डायरेक्टली पेरिटोनियम के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर जब फ्लूड फिल हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो इस फ्लूड को डायरेक्ट पेरिटोनियम में एक शंट के माध्यम से ड्रेन करते हैं, और इस शंट का नाम होता है बच्चा वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। तो ये कौन से क्लाइंट्स को लगाया जाता है शंट, ये शंट हाइड्रोसिफेलस के क्लाइंट्स को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है और दिल्ली के अंदर आने की संभावना पूरी पूरी है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब या कैथेटर। बच्चा ये जो आप ट्यूब या कैथेटर देख रहे हैं इसका क्या नाम है, पहला नेलेटन्स कैथेटर, फोगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैथेटर, सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब या ब्लडर इरिगेशन कैथेटर, रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई फ्रॉम द वेसल्स, द बलून इज इन्फ्लेटेड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेसल।
बच्चा इसमें जो ये बलून होता है, ये आप देख रहे होंगे बलून, ये जो बलून देख रहे हैं ये बलून क्या करता है, बलून इज इन्फ्लेटेड बच्चे, ये क्या करता है, फ्रेश एम्बोलाई को, फ्रेश एम्बोलाई को, जस्ट दिस कैथेटर यूज टू रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, इस कैथेटर को फ्रेश एम्बोलाई रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इस कैथेटर से कैसे एम्बोलाई यूज किया जाता है, अभी अभी जो फ्रेश एम्बोलाई बना है, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग विच कैथेटर, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द फोगर्टी कैथेटर, फोगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैथेटर। तो एम्बोलेक्टोमी कैथेटर जो होता है फोगर्टी, इसके जो टिप पॉइंट है, टिप पॉइंट पर एक बलून होता है, इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, फुला देते हैं, और जैसे ही इसको फुलाया जाता है इसके अंदर वो एम्बोलाई आ जाता है, और इसके माध्यम से फिर हम उस एम्बोलाई को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फोगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैथेटर यूज टू रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई, याद रखना बच्चा, दैट मे बी द मोस्ट क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जाम। जो एग्जाम हमें सिर पे दिख रहा है 7 फरवरी को, दिल्ली एम्स, कंबाइंड एम्स, उस एम्स के अंदर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, और ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा कि नेम दिस कैथेटर, तो इस कैथेटर का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन, फोगर्टी एम्बोलेक्टो कैसे रिमूव करता है, इसमें जो बलून होता है इसे इन्फ्लेट कर देते हैं और एम्बोलाई ट्रेवल करता हुआ इस बलून में आकर के फंस जाता है और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर ले। तो 2 स्टार का सम्मान दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर, जो कैथेटर आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है। तो जस्ट यू नीड टू आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर, इस कैथेटर का क्या नाम है बच्चा। व्हाट इज द नेम आप देख रहे हैं, इस कैथेटर का नाम है बच्चे फोलीस कैथेटर, सिंपल सा नेम है। जस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर, दिस इज द फोलीस कैथेटर, क्या है ये, यूरिनरी ब्लडर, क्लियर है बच्चे। तो ये एक सिंपली सुप्रा प्यूबिक कैथेटर होता है जिसको सुप्रा प्यूबिक एरिया से होकर के इंसर्ट किया जाता है और जस्ट इट इज यूज्ड टू ड्रेन द यूरिन, यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चा, जस्ट ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डेली एम्स के पर्पज से काफी मोस्ट मुझे लग रहा है। अ क्लाइंट क्वेश्चन पढ़िएगा आप ध्यान से, अ 40-year-old मेल हु इज द क्रॉनिक स्मोकर presented with the long history of intermittent claudication, यहाँ पर क्या हो रहा है, history of intermittent claudication, then and the blackish discoloration of the toe, blackish discoloration of the toe, what is the preferred treatment, इस patient का preferred treatment क्या होगा, just give answer, या सॉरी, जो पहले वाले में हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था वो मेलकोट था बच्चे, गलती से फॉलीज में बोल गया, मेलकोट कैथेटर था वो, क्या था, मेलकोट कैथेटर था बच्चा। ओके, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, दैट इज द मेलकोट कैथेटर। ओके, मेलकोट कैथेटर, इसमें आपसे मिस्टेक हो गई है, दैट इज मेलकोट, राइट आंसर इज डी। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर जो आप डिजीज देख रहे हैं, इस डिजीज के केस में 40-year-old मेल हु इज द क्रॉनिक स्मोकर प्रेजेंटेड विद द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द टो, व्हाट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, पूछा जा रहा है प्रेफर्ड ट्रीटमेंट क्या होगा। तो व्हाट इज योर राइट आंसर बच्चे, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इसको क्लाइंट को हो रहा है पैरों के अंदर। अब इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज वाले क्लाइंट्स को होता है, जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है बच्चा, उनको पेरिफेरल वेसल्स के अंदर क्या बन जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है पेरिफेरल वेसल्स में। और पेरिफेरल वेसल्स में जिस तरह से हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है, उसी तरह से पेरिफेरल वेसल्स के अंदर यदि एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाता है तो जस्ट पेरिफेरल वेसल्स के अंदर क्या होगा, इस्कीमिया होगा, क्या होगा, इस्कीमिया होगा, और इस्कीमिया होने के कारण इस्केमिक पेन होगा, पेन होने के साथ साथ ही बच्चे यस, ये जो पेन होता है, ये पेन का फीचर क्या होता है, रेस्टिंग पेन, रेस्टिंग पेन, जस्ट व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस पेन, दिस इज द रेस्टिंग पेन, खास बात क्या है, रेस्टिंग पेन है, और रेस्टिंग पेन को कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, क्या कहा जाता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्यों हो रहा है, सेल्स में इस्कीमिया होकर के नेक्रोटाइज हो गई है, इसलिए जस्ट क्लाइंट हैव द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। और बच्चों यदि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के पेशेंट को, तो इसका फाइनली जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होगा, एम्पुटेशन। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्पुटेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, तो एम्पुटेशन इज द राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, एम्पुटेशन। फाइनली ये जो गैंग्रीन हो चुका है, जस्ट नेक्रोटाइज हो चुका है एरिया,
इसको हमें जस्ट बच्चे टर्मिनली रिमूव करना पड़ेगा, सर्जिकली वी नीड टू रिमूव दिस पार्ट एंड सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज अम्पुटेशन। तो जस्ट इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, यहाँ पर ध्यान रखिए मैं टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द टो, डिस्कलरेशन ऑफ द टो, और ये क्लाइंट क्या है, क्रॉनिक स्मोकर। तो जस्ट बच्चों ध्यान रखना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मेल है और क्रॉनिक स्मोकिंग करता है, तो जस्ट इस तरह की जो पेरिफेरल वैस्कुलर होती है वो किन में होती है, क्रॉनिक वैस्कुलर डिजीज किस में होती है, क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर। बच्चों आपने सुना होगा रेनॉल्ड्स और बर्जर, तो रेनॉल्ड्स और बर्जर भी कुछ इसी फैमिली के डिसऑर्डर हैं, इसी फैमिली के वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो आर्टरी को अफेक्ट करते हैं। तो स्मॉल और मीडियम साइज के आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स अफेक्ट होती हैं रेनॉल्ड्स एंड बर्जर के केस में। तो रेनॉल्ड्स या बर्जर या आर्ट्रियल डिजीज में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है तो मोस्ट कॉमन इनका कॉज होता है बच्चे स्मोकिंग और क्रॉनिक स्मोकिंग। सो द क्लाइंट कंप्लेन फॉर द इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द टो एंड व्हाट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट, सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस पार्ट ऑफ द लेग बिकम नेक्रोटाइज एंड गैंग्रीनस, नेक्रोटाइज होकर के ड्राई गैंग्रीन हो चुका है, यहाँ पर कौन सा गैंग्रीन हो चुका है, ड्राई गैंग्रीन हो चुका है। इन दिस कंडीशन वी नीड टू डू द एम्पुटेशन। तो जस्ट इमेज शो करके आपसे चार पांच क्वेश्चन किया जा सकता है, कहा जा सकता है ये कंडीशन लास्ट रिजल्ट ऑफ द पीवीडी किसके कारण हुआ, ये पीवीडी के कारण हुआ है, यस और नो। इसके फीचर क्या होंगे, जस्ट बच्चे यू आर सीइंग हियर द डिस्कलरेशन ऑफ द टो, डिस्कलरेशन ऑफ द टो, देन पेशेंट कंप्लेन फॉर इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन मींस रेस्टिंग पेन, resting pain, so this client have the, what is the final treatment of this disease, then you will answer sir amputation is the treatment for this condition। then bache ab jaisa ki hum vital signs ko ek review karenge short ke andar, to dhyan rakhiye vital sign is very 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 important for Delhi AIIMS। Delhi AIIMS mein vital sign se kam 2 MCQ puche jate hain, to chaliyega main short mein aapko review karwata hu। sabse pehla temperature, सबसे पहला है टेम्परेचर बच्चा, टेम्परेचर अफेब्राइल, टेम्परेचर अफेब्राइल यानी कि जिसमें कोई डिजीज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में 97.5 से लेकर 99.5 तक टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। तो ओरल टेम्परेचर 97.5 से लेकर 99.5 डिग्री फॉरेनहाइट, रेक्टल टेम्परेचर 0.5 से 1.1 डिग्री फॉरेनहाइट इंक्रीज देन द ओरल रूट। बच्चा रेक्टल, रेक्टल एंड ओरल के अंदर, रेक्टल एंड ओरल में मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम 1 डिग्री फारेनहाइट का डिफरेंस होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1 डिग्री फारेनहाइट का डिफरेंस होता है, किसमें रेक्टल टेम्परेचर इज मोर देन द ओरल, अंडरस्टैंड, 1 डिग्री ओरल रूट, 1 डिग्री मोर देन द ओरल रूट, तो रेक्टल 1 डिग्री या 0.5 डिग्री मोर देन द ओरल रूट। बच्चा febrile oral temperature is 97.5 से 99.5 degree centigrade, rectal इससे rectal निकालना है तो क्या करना होगा, plus 0.5 से 1.0 plus करना होगा, तो rectal temperature होगा। hyperthermia कब बोलेंगे, 99.5 degree से ज्यादा जाता है, इससे ज्यादा होगा तो that is the hyperthermia। hypothermia कब बोलोगे, 97.5 degree Fahrenheit से decrease यदि temperature होता है तो that is the hypothermia। तो वी नीड टू नो अबाउट द हाइपोथर्मिया। ये डाटा जो है ये डेली एम्स का डाटा है, आपको हो सकता है आप कुछ डिफरेंट भी जानते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से ये डेली एम्स का डाटा बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड बच्चों। इसलिए टेम्परेचर की वैल्यू जो आपकी कॉपी में आपके नोट्स में लिखा होगा, हो सकता है इट मे बी डिफरेंट, बट आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग यू द डाटा, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड सो आई डिस्प्ले दोज of the following values, numerical values may be variate, आपकी value variate हो सकती है। तो simply ये आप ध्यान रखिए, febrile temperature rectal में इतना ज्यादा होगा, hyperthermia कितने से ज्यादा, 99.5 degree Fahrenheit से ज्यादा, hypothermia 97.5 से कम, तो 99.5 याद रखिए दोनों value, इससे कम हुआ hypo, इससे ज्यादा हुआ hyper। okay guys बढ़े आगे, then देखिएगा बच्चे second temperature, second vital होता है pulse। पल्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। नॉर्मली पल्स होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट, सब जानते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। यदि अगर टैकीकार्डिया कहा जाए तो मोर देन 100 और ब्रैडीकार्डिया लेस देन 60 पल्स इज द ब्रैडीकार्डिया, मोर देन 100 पल्स इज द टैकीकार्डिया। पल्स का 100 से ज्यादा होना क्या कहलाया, टैकीकार्डिया, 60 से कम होना क्या कहलाया, ब्रैडीकार्डिया। बच्चा यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रैडीकार्डिया डिजॉक्सिन की वजह से भी होता है। डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या है,
डिजेक्सिन का साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्रेडीकार्डिया। और जब कभी भी ब्रेडीकार्डिया हो रहा है तो जस्ट कांट एडमिनिस्टर द डिजोक्सिन, हमें डिजोक्सिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। यदि अगर ब्रेडीकार्डिया है तो डिजोक्सिन एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? बिकॉज डिजोक्सिन इज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होता है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होने के कारण ये क्या करता है, इट डिक्रीज द हार्ट रेट। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन किया जाता है कि डिजोक्सिन के प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट ऑफ डिजोक्सिन। तो आप कहना आंसर सर पल्स या फिर हार्ट रेट असेसमेंट करना, दैट इज द प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट ऑफ द डिजोक्सिन। इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 60 वी कांट एडमिनिस्टर द डिजोक्सिन। व्हाई? बिकॉज सर द डिजोक्सिन इज नेगेटिव पॉजिटिव इनोट्रॉपिक बट द नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होने के कारण सो सर डिक्रीज द हार्ट रेट एंड इफ इट एडमिनिस्टर्ड इट विल कॉजिंग द सीवियर ब्रेडीकार्डिया। अंडरस्टैंड गाइस, 60 से कम होना, 60 से कम होना माइल्ड ब्रेडीकार्डिया, 40 से कम होना मॉडरेट ब्रेडीकार्डिया, 20 से कम हार्ट रेट का रह जाना सीवियर ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया के रेंज ध्यान रखिए, माइल्ड ब्रेडीकार्डिया, मॉडरेट, सीवियर। ओके, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ब्रेडीकार्डिया, तीनों ब्रेडीकार्डिया भी ध्यान रखिए। डिजोक्सिन पूरा पढ़ा दिया यहाँ से मैंने आपको, अनस्टेन पल्स के साथ ही नॉर्मल पल्स 60 से 100, टैकीकार्डिया कितना 100 से ज्यादा होगा तो, ब्रेडीकार्डिया कितना 60 से कम होगा तो। प्यारे बच्चों दोस्तों समझ में आ गई क्या बात, यस और नो? थ्रेडी, थ्रेडी, थ्रेडी यानी वीक और फीबल, वीक और फीबल, वीक और फीबल, वीक और फीबल पल्स को क्या कहोगे, थ्रेडी पल्स। बाउंडिंग पल्स किसे कहते हैं, बाउंडिंग पल्स यानी फोर्सफुल एंड फुल, फोर्सफुल एंड फुल यानी पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन, अरे पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, अंडरस्टैंड, पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है। और कैसा है, फोर्सफुल है, फोर्सफुल, फोर्सफुल, फोर्सफुल। तो फोर्सफुल एंड फुल, फुल एंड फोर्सफुल, याद रखना फुल एंड फोर्सफुल, दैट इज द बाउंडिंग पल्स, दैट इज द बाउंडिंग पल्स, यस और नो? बच्चे वीक, वीक है और पाइपलाइन खाली है, फीबल है, वीक है और पाइपलाइन खाली है, वीक है और वेसल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, दैट इज थ्रेडी पल्स। क्या बोला, थ्रेडी पल्स। थ्रेडी मीन्स थ्रेटनिंग, मीन्स कभी भी जान जा सकती है, बहुत ही कम ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बच्चा डिसरिदमिया। नेक्स्ट पल्स के अंदर आने वेरिएशन क्या है, डिसरिदमिया, इरेगुलर पैटर्न, इरेगुलर पैटर्न, दैट इज द डिसरिदमिया। डिसरिदमिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रिदम, एब्सेंस ऑफ रिदम या डिस्टर्बेंस ऑफ रिदम, दैट इज डिसरिदमिया। ओके गाइस, डिसरिदमिया, अंडरस्टैंड? पल्स डेफिसिट से कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल रेट। बच्चों ध्यान रखना, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को पल्स डेफिसिट कहते हैं, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पल्स डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन आता है कि पल्स डेफिसिट होता है, तो बच्चों रेडियल और एपिकल पल्स के बीच में जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड एज द पल्स डेफिसिट। तो आपको ध्यान रखना, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को पल्स डेफिसिट बोलोगे, तो रेडियल एंड एपिकल रेट के बीच में डिफरेंस को, तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। तो देखिएगा ये गाइस, करीब यहां से 10 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं पल्स से रिलेटेड, यानी बिल्कुल एक्सट्रैक्टेड बात ही मैं कर रहा हूं, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सट्रैक्टेड बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है उतनी ही बात मैं वाइटल के अंदर आपको, इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव वाइटल यानी शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर पूरे वाइटल हम रिव्यू करेंगे। क्लियर है गाइस? बात आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाइटल है हमारे पास रेस्पिरेशन। क्या गाइस? रेस्पिरेशन, तीसरी रेस्पिरेशन वाइटल। बच्चे रेस्पिरेशन में यूपनिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, पहला क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या कहता है, यूपनिया कहलाता है। क्या बोलते हो, यूपनिया, यूपनिया बोले तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट क्या है, 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। क्या कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन को, यूपनिया कहा जाता है। क्या कहता है, यूपनिया। क्या बोलोगे, यूपनिया। टैकीपनिया कब जो कहा जाएगा, यदि द ब्रीथ रेट इज मोर देन 20, ब्रीथ रेट मोर देन 20 इज टैकीपनिया। ब्रेडीपनिया कहोगे, ब्रीथ रेट लेस देन 12 से कम ब्रीथ रेट होना क्या कहलाएगा बच्चा, ब्रेडीपनिया। ब्रेडीपनिया लेन ब्रीथ रेट 12 से कम हो जाना, यस और नो? एपनिया बोले तो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग बोले तो एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग बोले तो एपनिया। अरे बच्चा बोला मैंने यूपनिया यानी नॉर्मल, बोला एपनिया एब्सेंस, यस और नो?
टैकिपनिया 20 से ज्यादा, ब्रेडिपनिया लगभग 12 से कम ब्रीथ पर मिनट। चार क्वेश्चन कंप्लीट है ये चारों क्वेश्चन, यस और नो। नॉर्मली कितना? 12 से 20। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यस और नो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट आगे बढ़े, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ। अब क्वेश्चन आता है कि हाइपरवेंटिलेशन जब होगा तो कौन कौन से ब्रीदिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर बढ़ेंगे, तो रेट भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगा। रेट भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। अरे भाग के जब हम आते हैं, दौड़ के जब भाग के आते हैं तो हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी तेज रेस करके आओ आप, दौड़ के आओ, दौड़ के आओगे तो दोनों चीज बढ़ेगी, एक तो रेट भी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी सांस लोगे आप, और डेप्थ भी बढ़ेगी, गहरी सांस लोगे। तो लंबी सांस और गहरी सांस लेना ही क्या कहलाता है? हाइपर वेंटिलेशन। तो क्लियर है गाइस? कुछ मोल रेस्पिरेशन डीप एंड रैपिड पहला फीचर याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। कुछ मोल रेस्पिरेशन का फीचर बताइए, डीप एंड रैपिड एसोसिएटेड विद द मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिस यदि कभी भी हुआ तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मेटाबोलिक एसिडोसिस होगा तो मेटाबोलिक एसिडोसिस हुआ मींस क्या हुआ, पीएच घट गया, पीएच घटा। अब पीएच घटा तो क्या हुआ बच्चा, एच प्लस बढ़ गया, यस और नो? पीएच घट गया, एच प्लस बढ़ गया, एट मींस मेटाबोलिक एसिडोसिस हो गया। ऐसा कब होता है? जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किसी को हो जाता है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के क्लाइंट्स में जो ब्रीदिंग होगा वो कहलाता है कुशमोल ब्रीदिंग। थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, यस और नो बोलो भाई, देखोगे क्या? चलो बात करता हूँ। जब डीके किसी को हुआ, क्या हुआ? डीके हुआ, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होते ही क्या बना? कीटोन बना। क्या बना भाई? कीटोन बना, प्लस क्या बना? फैटी एसिड बना बच्चा, कीटोन और फैटी एसिड, एसिड बना, फैटी एसिड बना, मींस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है। क्या हो गया? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता ही क्या करता है? जस्ट लंग्स कंपेंसेट करेगा, लंग्स कंपेंसेशन करता है, लंग्स इसको कंपेंसेशन करेगा, लंग्स कंपेंसेशन करेगा मींस एसिडोसिस हो गया है। बॉडी को क्या चाहिए? O2 चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए? O2 चाहिए, इसलिए लंग्स क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो साथ के साथ ही डेप्थ भी बढ़ेगी। रेट और डेप्थ का बढ़ जाना ही क्या कहलाया? हाइपर वेंटिलेशन कहलाया। क्या कहलाया? हाइपर वेंटिलेशन कहलाया। हाइपर वेंटिलेशन ऐसा जो होता है, दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन पैटर्न इज कुशमोल रेस्पिरेशन। क्या बोला बच्चे? कुशमोल रेस्पिरेशन, यस और नो? अब देखिएगा, जब डीके के पेशेंट्स में कीटोन बनता है तो किस फॉर्म में बनता है? एसीटोन फॉर्म में बनता है। और बच्चा यदि एसीटोन की बात करें तो ये एक फ्रूटी ऑर्डर वाला गैस होता है, इसलिए जस्ट जो ब्रीदिंग होगा वो कैसा होगा? फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर। कैसा होगा? फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर। तो डीके के पेशेंट्स का ब्रीद ऑर्डर कैसा? फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर। क्लियर है? तो डीके पूरा कंप्लीट है मेरी तरफ से। ब्लड ग्लूकोज डीके में होता है 300 से ज्यादा, और एचएचएनएस में होता है बेटा, एचएचएनएस के अंदर होता है 800 से ज्यादा। अंडरस्टैंड? तो मोर देन 300 मिलीग्राम पर डीएल, मोर देन 800 मिलीग्राम पर डीएल। डीके के अंदर एसिडोसिस एंड कीटोसिस होता है, जबकि एचएचएनएस में एसिडोसिस कीटोसिस नहीं होता है। डीके ए टाइप 1 वाले डायबिटिक पेशेंट्स को होता है, एचएचएनएस टाइप 2 वाले डायबिटिक पेशेंट्स को होता है। डीके के पेशेंट्स में क्या होगा देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर होगा एसिडोसिस, देखना थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। डीके के पेशेंट्स में क्या हो रहा है? मेटाबोलिक एसिडोसिस हो रहा है बच्चा, मेटाबोलिक एसिडोसिस। यहाँ से मैं एरो यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे ले आया मैं, ओके बच्चे, वहां से डायरेक्ट बात मैंने कहाँ से उठाई? मेटाबोलिक एसिडोसिस से बात उठा रहा हूँ। मेटाबोलिक एसिडोसिस हुआ, मेटाबोलिक एसिडोसिस होते ही किडनी क्या करेगा? किडनी भी कंपेंसेट करेगा, तो कंपेंसेशन करेगा किडनी, यस और नो? कंपेंसेशन करेगा तो किडनी क्या करता है? रिटेन करेगा। अरे किसको रिटेन करेगा? बाई कार्बोनेट को रिटेन करेगा। अब जब किडनी में रिटेंशन होगा, बाई कार्बोनेट रिटेन होगा, तो साथ के साथ ही K+ का भी रिटेंशन होता है, K+ का भी रिटेंशन होता है। और इसीलिए बच्चे डीके के पेशेंट को स्टार्टिंग में क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा इनिशियली? तो डीके के पेशेंट्स में इनिशियली क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा।
जैसे ही रिटेंशन बढ़ेगा, इधर ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ने से क्या हुआ? हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। क्या हुआ बच्चा? हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो क्या हुआ? डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। हाइपरग्लाइसीमिया होते ही क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होते ही क्या होगा बॉडी में? ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे? ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे। ऑस्मोलर इफेक्ट आते ही क्या होगा? पोलीयूरिया होगा। पोलीयूरिया होगा, यस और नो? और पोलीयूरिया होगा तो क्या होगा? के प्लस बहुत अधिक क्वांटिटी में लॉस होगा। इसलिए इन केस ऑफ द लेटर स्टेज, लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोकैलेमिया। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में इनिशियली हाइपरकैलेमिया और लेटर स्टेज में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया। तो इन केस ऑफ द डीकेए इनिशियली हाइपरकैलेमिया होगा, लेटर में क्या होगा? हाइपोकैलेमिया होगा। क्लियर है? पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। इनिशियली हाइपरकैलेमिया, इन केस ऑफ द लेटर स्टेज हाइपोकैलेमिया होगा। ब्लड ग्लूकोज 300 से ज्यादा होगा, इधर 800 से ज्यादा होगा, इधर पीएच लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, कीटोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर होगा, कुशमोल रेस्पिरेशन होगा, डेप्थ और रेट दोनों बढ़ेगी। ये किसके फीचर है? डीकेए के फीचर है। मेटाबोलिक एसिडोसिस होगा, कंपेंसेशन में किडनी कंपेंसेट करेगा, हाइपर और लंग्स किडनी कंपेंसेट करेंगे, लंग्स कंपेंसेट करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन होगा, किडनी कंपेंसेट करेगा, तो HCO3 का रिटेंशन करेगा, HCO3 का रिटेंशन करेगा तो के प्लस रिटेन होगा, के प्लस रिटेन होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में क्या होगा? ब्लड गाढ़ा है, अभी गाढ़ा है इसलिए सुसु ज्यादा आती है। अभी बार बार सुसु जा रहे होंगे आप लोग भी, ज्यादा सुसु आता है, यस और नो? क्यों? क्योंकि ब्लड गाढ़ा है। और जब कभी भी ब्लड गाढ़ा होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा? प्यास ज्यादा लगेगी, ब्लड में ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे, ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे तो पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा तो के प्लस लॉस होगा, के प्लस लॉस होगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाता है। बात क्लियर है गाइस? बात आगे बढ़ाता हूं तो यहां पर का कुशमोल रेस्पिरेशन, वाइटल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या पढ़ा रहा हूं? वाइटल पढ़ा रहा हूं। थर्ड वाइटल क्या पढ़ा रहा हूं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ाते पढ़ाते हमने कहा कुशमोल रेस्पिरेशन, यानी क्या क्या बढ़ता है? डीप यानी कि जस्ट डेप्थ और रेट दोनों बढ़ती है, एसोसिएटेड विद मेटाबोलिक एसिडोसिस। मेटाबोलिक एसिडोसिस क्लियर हो गया? DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट रेस्पिरेशन होता है काइनी स्ट्रोक। काइनी स्ट्रोक में रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग फ्रॉम वेरी डेप्थ टू वेरी स्लो एंड टेम्परेरी एपनिया। बच्चा यहाँ पर जब काइनी स्ट्रोक बोलोगे, काइनी स्ट्रोक बोलोगे तो तीन बातें याद रखना, कभी कभी वेरी स्लो, कभी कभी वेरी डीप, कभी कभी जस्ट एपनिया। एपनिया मीन्स रुक जाना। तो कभी कभी क्या होगा? रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग। रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग का मीन्स स्लो एंड वेरी डीप होगा, कभी तो कभी वेरी डीप होगा, कभी वेरी शेलो होगा, वेरी डीप एंड वेरी शेलो, वेरी डीप, कभी वेरी शेलो। तो शेलो मीन्स सुपरफिशियली, अंडरस्टैंड? थोड़ा सा इनहेल फिर एक्सपेल करना पड़ा, जैसे डोगी करता है ना, डोगी ब्रीथ करता है तो वो शेलो ब्रीथ करता है। डोगी क्या करता है? डोगी शेलो ब्रीथ करता है, सुपरफिशियली करता है। एक होता है डीप ब्रीथ, तो डीप ब्रीथ और शेलो ब्रीथ। तो काइनी स्ट्रोक क्या? रिदमिक वैक्सिंग एंड वीनिंग फ्रॉम द डीप ब्रीथ एंड द शेलो ब्रीथ और टेम्परेरी एपनिया। कभी कभी एपनिया होता है, तो एपनिया शेलो और डीप, दैट इज काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। बच्चे ऑर्थोपनिया क्या होता है? अपराइट पोजिशन टू ब्रीथ, अपराइट पोजिशन टू ब्रीथ। ऑर्थोपनिया मीन्स पोजिशन चेंज करने पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑर्थोपनिया। जस्ट बच्चे ऑर्थोपनिया इज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन द चेंजिंग द पोजिशन। डिस्निया डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया ड्यूरिंग द पोजिशन, अपराइट पोजिशन टू ब्रीथ, अपराइट पोजिशन टू ब्रीथ, दैट इज द ऑर्थोपनिया। डिस्निया मीन्स डिफिकल्ट ब्रीदिंग। क्लियर है? तो दैट इज द थर्ड वाइटल साइन रेस्पिरेशन। गाइज नंबर फोर वाइटल होता है ब्लड प्रेशर। वाइटल फोर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में नॉर्मल SBP कितना होता है? 120। देन DBP कितना? 80। सिस्टोलिक बीपी कितना? 120। डायस्टोलिक कितना? 80। तो 120 80 दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 40। क्लियर है? तो यानी कि दोनों के बीच को डिफरेंस को कहते हैं पल्स प्रेशर। यानी कि यदि सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का रेशियो पूछूंगा तो आंसर क्या आएगा? 3:2:1। ये एम्स भोपाल ने पूछा था, यस और नो? क्लियर है गाइस? देन प्री हाइपरटेंशन, यहां से ध्यान रखो, यदि बीपी आ रहा है 120 से लेकर 139 और डायस्टोलिक 80 से 89, याद कैसे रहेगा? 120 से 139, 140 से 159,
मोर देन 160, याद रहा? इधर याद रखो 80 से 89, 90 से 99, याद रखिए मोर देन 100, तीनों याद हो गया। इसको फर्स्ट वाली कैटेगरी में हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में हाइपरटेंसी हो सकता है, इसलिए बोलोगे प्री हाइपरटेंसिव, यस और नो? इसे बोला हमने हाइपरटेंशन हो चुका है स्टेज फर्स्ट, इसको भी हाइपरटेंशन हो चुका है और स्टेज सेकेंड। तो ध्यान रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज, स्टेज टू में बीपी का रेंज क्या होता है? मोर देन 160, और डायस्टोलिक होगा मोर देन 100। प्री स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में क्या होगा? 140 से 159 के बिटवीन बीपी आ रहा है, 90 से 99 के बिटवीन आ रहा है। प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, 120 से 139, 80 से 89, क्लियर है? ये डाटा WHO ने दिया, किसने दिया? WHO ने दिया, अंडरस्टैंड बेटा? अब दूसरी बात ध्यान रखना यहाँ पर, एक और बात पूछते हैं यहाँ से, हाइपरटेंशन के केस में जब आप बीपी लेने जाओगे तो बीपी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बीपी लो, फॉल्स लो कब आता है, फॉल्स लो कब आएगा और फॉल्स हाई कब आता है? अंडरस्टैंड, फॉल्स हाई एंड फॉल्स लो, ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स में आता ही आता है। बच्चा लो बीपी कब होगा? लो बीपी कब होगा? जब आप कफ को टाइट बांध देंगे, जब एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड होगा, यानी कि हार्ट लेवल से एलिवेटेड हो, या बीपी कफ को आप टाइट बांध दें, या फिर आप बीपी कफ लार्ज साइज का यूज कर लें। अंडरस्टैंड? तो ये तीन बातें ध्यान रखना, यदि बीपी कफ आपने लार्ज यूज किया तो फॉल्स लो रीडिंग होगा, यदि बीपी एक्सट्रीमिटी अगर हार्ट लेवल से एलिवेटेड है, जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट का एक्सट्रीमिटी है, अब ये हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, बीपी कभी भी ले रहे हो, पेशेंट का बेड पे हैंड जो एक्सट्रीमिटी है वो साइड लाइन में बेड पे रखा होना चाहिए, यदि अगर एक्सट्रीमिटी एलिवेट हो जाएगा बच्चा, तो एक्सट्रीमिटी एलिवेट होने के कारण उसका बीपी का जो रीडिंग होगा वो फॉल्स लो होगा। आप सोचेंगे लो बीपी आ रहा है, लेकिन वो बीपी लो नहीं है, फॉल्स लो है, नॉट द लो। अंडरस्टैंड? टाइट अगर बीपी कफ को आपने बांध दिया है तो इस कंडीशन में भी बीपी रीडिंग लो होगा। फॉल्स हाई कब होगा? जब आप कफ को लूजली अटैच करें, या फिर एक्सट्रीमिटी को डिपेंडेंट रखें, यानी कि जस्ट हार्ट के लेवल से नीचे रखें, या बीपी कफ आप स्मॉल यूज करें। तो याद रखना है, याद कैसे रहेगा? ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, कितने MCQ बनेंगे? 6 MCQ बनेंगे। याद कैसे रहेगा? ध्यान रखना बच्चा, लो जब कभी भी कोई भी बात ऐसी आए जिसमें बड़ा या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाली कंडीशन में बीपी लो आएगा और डिक्रीज वाली कंडीशन में बीपी हाई आएगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज वाली जितनी भी कंडीशन से उन सब में बीपी कैसा आएगा? लो आने वाला है। और डिक्रीज वाली कंडीशन से तो बीपी हाई आने वाला है। इंक्रीज वाली कंडीशन बोलो तो देखो क्या बात कर रहा हूँ, टाइट, टाइट मींस बढ़ाना, टाइटनेस बढ़ गई तो यहाँ इंक्रीज हुआ, टाइटनेस इंक्रीज कर दिया आपने। यहाँ एलिवेट मींस क्या किया आपने, आपने पोजीशन एलिवेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ भी इंक्रीज वाली बात की। यहाँ पर लार्ज क्या इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हो गई, तो लार्ज मींस साइज इंक्रीज हो गई, तो तीनों कंडीशन में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ टाइटनेस इंक्रीज हुआ, यहाँ पर प्लेन यानी बॉडी का जो लेवल है, एक्सट्रीमिटी का लेवल है वो बॉडी लेवल से इंक्रीज हुआ, यहाँ क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज वाली कंडीशंस में जो रीडिंग होगा वो कैसा होगा, फॉल्स लो। यहाँ पर क्या हुआ, लूज हो गया, लूजनेस डिक्रीज हो गई, यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन डिक्रीज हो गई, यहाँ साइज डिक्रीज हो गई, तो बच्चों जितनी भी डिक्रीज वाली कंडीशन से उनके अंदर बीपी का रीडिंग कैसा होगा, फॉल्स हाई, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर की एक फॉल्स रीडिंग कब आती है। तो ये फोर्थ वाइटल था बच्चा बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वापस से, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर, जो आप कैथेटर देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर, दिस कैथेटर इज द नेलाटोन कैथेटर, इसका नाम है बच्चा नेलाटोन कैथेटर, क्या नाम है, नेलाटोन कैथेटर नाम होता है इसका, क्या नाम है, नेलाटोन कैथेटर। इट इज वन टाइम यूज कैथेटर फॉर इंस्टेंट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर ड्यूरिंग सर्जरी टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिन। बच्चा इसका दो तरह से यूज करते हैं, या तो कोई सर्जरी के दौरान यूरिन का इंस्टेंट रिलीज करने के लिए, यानी कि जस्ट ड्यूरिंग या आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी, इफ यू वांट टू ड्रेन द यूरिन, वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, वन टाइम यूजेबल कैथेटर होता है, नाम है इसका नेलाटोन कैथेटर, क्या बोलते हैं,
नेलाटोन कैथेटर बोलते हैं, वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, नेलाटोन कैथेटर कहते हैं, वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, नेलाटोन कैथेटर कहते हैं, इसका एक ही बार यूज होता है। मोस्टली इसको यूज करते हैं बच्चा सर्जरी के टाइम। कब यूज करोगे? सर्जरी के टाइम, तो ड्यूरिंग सर्जरी। किस लिए? टू ड्रेन द यूरिन, यूरिन को ड्रेन करने के लिए, या फिर टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन। तो जस्ट वी यूज दिस कैथेटर, नेलाटोन कैथेटर, टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन या टू ड्रेन द यूरिन ड्यूरिंग सर्जरी। ओके, वन टाइम यूजेबल कैथेटर। अब नेलाटोन कैथेटर के कुछ कलर कोडिंग याद रखना, हो सकता है नेलाटोन कैथेटर के कलर कोडिंग आ जाए, क्योंकि आपसे जनरल कैथेटर के, कैनुला के, आईवी सेट के, इनके कैथेटर पूछते पूछते तो दिल्ली एम्स बूढ़ा हो चुका है। अब वो फालतू चीजें नहीं पूछेगा जो आज तक आप याद करते आ रहे हो, कैथेटर वेथेटर, जो जनरल आईवी की, कैनुला की साइज बताओ, गोज बताओ, निडल की साइज बताओ, कलर बताओ, गोज बताओ, ऐसी चीजें वो मुझे नहीं लगता है पूछेगा। कुछ एडवांस बढ़ेगा, अरे उसका भी अपना कोई स्टैंडर्ड है यार, दिल्ली एम्स का भी अपना कोई स्टैंडर्ड है। देखिएगा यहाँ पर हम 18 फ्रैंक का कैथेटर देखोगे तो डार्क रेड कलर का आएगा, 18 फ्रैंक वाले का कलर कैसा होगा? डार्क रेड, यस और नो? देन बच्चे 16 फ्रैंक वाला रेड कलर का होगा, कैसा? रेड कलर। 14 फ्रैंक वाला है, 14 फ्रैंक वाला है कितना होगा? ये होगा बच्चा ग्रीन कलर, कैसा? ग्रीन कलर। ये 12 फ्रैंक वाला कैसा होगा? व्हाइट कलर, कैसा होगा? व्हाइट कलर। देन 10 फ्रैंक वाला कैसा होगा? ब्लैक कलर, अनस्टेन। तो दीज आर द कलर कोडिंग्स ऑफ द नेलाटोन कैथेटर। नेलाटोन कैथेटर क्या है? वन टाइम यूजेबल कैथेटर है। क्या है भाई? वन टाइम यूजेबल कैथेटर है। किस लिए यूज करते हैं? सर्जरी के टाइम, तो ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी क्या काम आता है? टू ड्रेन यूरिन, यूरिन को ड्रेन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो वन टाइम यूजेबल कैथेटर टू ड्रेन द यूरिन ड्यूरिंग सर्जरी, दैट इज वन टाइम यूजेबल कैथेटर। नाम है इसका नेलाटोन कैथेटर। नेलाटोन कैथेटर की हमने बता दिया आपको 18, 16, 14, 12 और 10। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बात आती है फीवर। कुछ डिजीज कंडीशंस आज मैं बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन दिल्ली के अंदर पूछा जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, फीवर की बात करते हैं। फीवर में इंक्रीज टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फीवर बोला जाता है। बच्चा लो ग्रेड फीवर कब कहोगे? लो ग्रेड फीवर जब टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से 101 डिग्री फॉरेनहाइट के बिटवीन होता है। क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आता है, लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर में टेम्परेचर कितना होगा? आंसर क्या देना है आपको? मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, आपकी वैल्यूज हो सकता है मुझसे डिफरेंट हो, लेकिन मैं जो वैल्यूज लेकर आया हूँ, मैं जो वैल्यू आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, दे आर वेरी मोस्ट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डेली एम्स। ये डेली एम्स में आने की प्रोबेबल वैल्यूज हैं, एंड सो दीज आर मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यूज। अंडरस्टैंड? लो ग्रेड फीवर 98.6 से 101 डिग्री फॉरेनहाइट। हाई ग्रेड फीवर तब कहा जाएगा व्हेन द टेम्परेचर मोर देन 101 डिग्री फॉरेनहाइट। 101 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा होगा तो हाई ग्रेड, 101 से कम होगा तो लो ग्रेड। बच्चे क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं फीवर में? फीवर के क्लिनिकल फीचर्स, यानी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल क्लिनिकल फीचर ऑफ द फीवर? फटीग होगा, वीकनेस होगा, फ्लश्ड होगा, ड्राई स्किन होगी। तो जस्ट चार फीचर याद रखना। पहला फीचर बोलो फटीग, पहला फीचर, अरे भाई बोलो, बोलो ना यार, पहला फीचर बोलो फटीग, बोलो वीकनेस, बोलो फ्लश, बोलो ड्राई स्किन, बोलो, चारों क्लियर है क्या? एटियोलॉजी क्या होती है फीवर की? फीवर किस कारण से? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, या फंगल इन्फेक्शन के कारण, या डीवीटी के कारण, या एज अ मेडिसिनल साइड इफेक्ट, किसी दवा के साइड इफेक्ट से भी फीवर होता है, या फिर होता है ट्यूमर के कारण। ठीक है बच्चा, ये कुछ कारण थे फीवर के। अंडरस्टैंड? देन हम बात करते हैं व्हाट नर्सिंग केयर नीड फॉर द पेशेंट विद फीवर। फीवर के पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ से मैं आपसे, लेकिन आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट नर्सिंग केयर नीड फॉर द पेशेंट विद फीवर। मॉनिटर द वाइटल साइन, पहला मॉनिटर वाइटल साइन एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाइटल मॉनिटर करो। Evaluate for the drug induced fever. कहीं drug induced तो fever नहीं है, इसको भी monitor करते रहना चाहिए। Perform the focused assessments. Focused assessment. Perform the focused assessment is very important. ध्यान रखिएगा fever के केस में यहाँ से question put up होगा। Focused assessment. Focused assessment. Focused assessment. कौन कौन से? Decrease breathe sound. Breathe sound decrease का ही हो या एक हो बच्चा, photophobia हो रहा हो, एबिलिटी हो रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, आईवी साइट, आईवी साइट, देन इंसिजन एंड वुंड फॉर द इंफेक्शन, लेग फॉर द डीवीटी, डीवीटी, रेडनेस, वार्म स्वेलिंग, टेंडरनेस, रेडनेस, वार्म स्वेलिंग, टेंडरनेस,
ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे इन्फेक्शन को। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, आईवी साइट असेस करना है कि कहीं पुरुलेंट ड्रेनेज तो नहीं हो रहा हो, इनसीजन साइट को असेस करना है, वुंड को असेस करना है कहीं इससे पुरुलेंट ड्रेनेज तो नहीं हो रहा हो। बच्चे रोंकाई, स्टिफ नेक, हेडेक, फोटोफोबिया, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन, बिग साउंड डिक्रीज, क्रेकल, दे ऑल इंडिकेटिंग द इन्फेक्शन। यदि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो क्या होगा, फीवर, फीवर किस कारण हुआ, इन्फेक्शन के कारण। तो यूरिन इन्फेक्शन होगा तो साइन होगा बर्निंग, बर्निंग ऑन यूरिनेशन, क्लाउडी, ग्रीनिश, रेडिश कलर। तो याद रखना यूरिन का कलर इन्फेक्शन के कारण, फीवर के कारण कैसा होगा, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो यदि अगर यूरिन इन्फेक्शन होगा तो यूरिन में क्या बढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे, और डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे तो यूरिन का कलर कैसा होगा, क्लाउडी, कैसा होगा, क्लाउडी, 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 कैसा होगा, क्लाउडी, और बर्निंग होगा, बर्निंग एंड क्लाउडी। बच्चे जीआई एंड जीआई साइन सिम्टम क्या होंगे, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ऐसा होता है जब जीआई के इन्फेक्शन के कारण पेन हो जाए। ओके, एनकरेज द कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, इंक्रीज फ्लूड इंटेक। बच्चा जिसको फीवर होता है उसको क्या करना है, फ्लूड इंटेक को बढ़ाना है, फ्लूड इंटेक को बढ़ाना है ना कि घटाना है, ताकि डिहाइड्रेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड मटेरियल बॉडी से बाहर एक्सक्रेट हो सके। डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग भी एनकरेज करना है। जिसको फीवर है उसको एंटीबायोटिक देना है, टेपिड बाथ देना है, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट देना है इसको, हाइपोथर्मिया हो रहा है तो ब्लैंकेट देना है, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर घटाने वाली ब्लैंकेट हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट कहलाती है। चेंज आईवी साइट इफ इंडिकेटेड, यदि आईवी साइट लगा हुआ है तो इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, ताकि इससे कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर बढ़े नहीं। क्लियर है, क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाई अ नर्स इज एन इंटेंशनल टॉर्ट। एक क्वेश्चन आया है, ये कल के लेक्चर का क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान रखना, कल के लेक्चर में से कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे और वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आज आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड, यानी कि जो क्वेश्चन मैं कल पढ़ा रहा था आपको, कल के लेक्चर को एक बार और ध्यान से देख लेना आप, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उस लेक्चर के अंदर जितनी टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की थी वो सारी टर्मिनोलॉजी एम्स के लिए काफी मोस्ट होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ नर्स इज इंटेंशनल टॉर्ट। देखो टर्म को पकड़ना है, इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशनली टॉर्ट, इंटेंशनली टॉर्ट, इंटेंशनली टॉर्ट को क्या कहा जाता है, आंसर प्लीज। इंटेंशनली टॉर्ट को कहते हैं बच्चा बैटरी, इंटेंशनली टॉर्ट इज कॉल्ड बैटरी, इंटेंशनली टॉर्ट इज बैटरी, इंटेंशनली टॉर्ट, वेरी गुड वाइज, वेरी गुड, शाबाश, याद रहा कल से आपको, इंटेंशनली टॉर्ट इज कॉल्ड बैटरी, क्या कहते हो, बैटरी कहते हैं, इंटेंशनली टॉर्ट को बोला जाता है बैटरी, क्या बोलते हैं, बैटरी, अंडरस्टैंड गाइस। तो ध्यान रखिएगा इंटेंशनली टॉर्ट इज बैटरी, अ बैटरी इज टचिंग अ पेशेंट विदाउट द जस्टिफिकेशन और परमिशन इज इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट मीन्स विदाउट जस्टिफिकेशन और परमिशन, विदाउट परमिशन, विदाउट जस्टिफिकेशन, इफ समवन एचसीपी, इफ someone SCP is touching the patient, then it is the intentional tort, and intentionally tort is called as the battery. Next, OSHA is responsible for, देखिएगा OSHA is responsible for, OSHA is responsible for, question number 7, OSHA is responsible for compensating the worker injured in the workplace, providing the rehabilitation for worker injured in the workplace, inspecting the high hazard workplace for compliance with the protective standard, डिसिप्लिन वर्कर्स इंजर्ड इन द वर्क प्लेस। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, हो सकता है आएगा, यस और नो, क्वेश्चंस बहुत यूनिक है बच्चा, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन है। सबसे पहला ओशा क्या करता है, ओशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कंपेंसेटिंग द वर्कर्स इंजर्ड इन द वर्क प्लेस। पहला ऑप्शन ये कह रहा है क्या, वर्क प्लेस पर, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग बाग, यदि फैक्ट्री के अंदर कोई एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, अब ये एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पर, फैक्ट्री वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर यदि इनको इंजरी हो जाती है तो इस इंजरी को कंपेंसेट करने के लिए ओशा है क्या, नहीं, बात करते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन फॉर वर्कर इंजर्ड इन द वर्क प्लेस, क्या वर्क प्लेस पर इंजर्ड होने वाले लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने वाला एजेंसी ओशा है, नहीं भाई। नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग द हाई हजार्ड वर्कप्लेस फॉर कंप्लायंस विद द प्रोटेक्टिव स्टैंडर्ड, बच्चे स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए हाई हजार्ड वर्कप्लेसेस को, हाई हजार्ड वर्कप्लेसेस को इंस्पेक्ट करना ही ओशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई हजार्ड वर्कप्लेस, जैसे ग्लास फैक्ट्री है,
जैसे ग्लास फैक्ट्री है, रेडिएशन फैक्ट्री है, थर्मल फैक्ट्री है, आरएबीपी है, अंडरस्टैंड, रेडिएशन का वर्क जहां पर है, ग्लास का काम हो सकता है, लेड का काम हो सकता है, तो लेड ग्लास ऐसी फैक्ट्रीज जो होती है जहां पर वर्कर्स को काफी ज्यादा खतरा होता है, ऐसे एरियाज को, हाई हजार्ड एरियाज वाले वर्क प्लेसेस को इंस्पेक्ट करना ही ओशा की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ गए क्या बात को? क्लियर है? तो जस्ट ओशा की फुल फॉर्म देखिए पहले, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओशा का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट आंसर इज सी। ओशा इज रेस्पॉन्सिबल और प्रिवेंटिंग द वर्क रिलेटेड इंजरीज, इलनेस एंड डेथ। जस्ट प्रिवेंटिंग द वर्क रिलेटेड इंजरीज, इलनेस एंड डेथ। बच्चों वर्क रिलेटेड इंजरीज को यदि क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया जाए, क्वेश्चन रिवर्स भी किया जा सकता है, यदि क्वेश्चन को रिवर्स किया तो क्या पूछेंगे, वर्क प्लेसेज इंजरीज को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंटिंग द वर्क रिलेटेड इंजरी, इलनेस एंड डेथ, यू विल आंसर सर, द आंसर इज ओशा। क्या आंसर दोगे? ओशा। ओशा बोले तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओ फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ओशा है। क्वेश्चन नंबर 8, अ नर्स फेल्ड टू एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन टू द पेशेंट, नर्स फेल्ड टू, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, नर्स फेल्ड टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू अ पेशेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, कॉन्सिक्वेंटली द पेशेंट सफर्ड एडवर्स इफेक्ट, फेलियर टू प्रोवाइड द पेशेंट केयर एंड टू फॉलो द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को फॉलो करना और रिक्वायर्ड केयर पेशेंट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इसको क्या कहा जाता है, व्हाट इज योर राइट आंसर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैटरी या टॉर्ट, व्हाट इज योर राइट आंसर। बच्चे जस्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ट द नर्स फेल्ड टू एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन टू अ पेशेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेडिसिन नहीं दिया है, कंसिक्वेंटली द पेशेंट सफर्ड एडवर्स इफेक्ट, और इस कारण पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हो गए हैं, फेलियर टू प्रोवाइड द पेशेंट केयर एंड टू फॉलो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड, अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को फॉलो करना क्या कहलाता है, दैट इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, क्या कहलाता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट टर्म बताऊंगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बैटरी और टॉर्ट, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स दैट द नर्स प्रोवाइडेड केयर दैट डिड नॉट मीट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि जस्ट क्या है, नर्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स क्या होता है, द नर्स, नर्स प्रोवाइडेड केयर दैट डिड नॉट मीट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, दैट नॉट मीट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। बच्चे यदि एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं किया गया है, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग केयर यदि पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टर्म इज दैट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the breach of contract option b result when one party fails to perform as the required by contract, yadi agar ek taraf hospital hai dusri taraf client family hai aur dono ke beech mein contract hua hai ki aisa aisa care hame chahiye, yadi this party fail to give the care as contract, this party is fail, two parties here, one party is the client family and second party is the hospital, if this party is failed to give the care according to as contract ke according yadi care provide nahi kiya gaya, so that is called as the breach of contract, this is called breach of contract. Battery is the touching of the patient without justification or permission. Tort is a civil action of for damage for injury to a person, property or reputation. बच्चे tort होते हैं तीनों टाइप के, जैसे किसी को abusive tort करना, किसी के बारे में false statement release करना कि अरे आपने कह दिया उसको तो HIV हो रहा है, जैसा कल हमने कहा था कि ऐसा tort, that is also a tort, कि किसी के बारे में false statements release कर देना, जिससे क्या इफेक्ट हुआ है, उस क्लाइंट का रेप्यूटेशन अफेक्ट हुआ, रेप्यूटेशन इज आल्सो अफेक्टेड, इट इज टॉर्ट। देन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, दैट इज आल्सो द टॉर्ट। जस्ट द पर्सन को नुकसान पहुंचाना, इंजरी टू पर्सन,
इंजरी टू पर्सन प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन, इंजरी टू पर्सन प्रॉपर्टी रेपुटेशन दैट इज टॉट, अनइंटेंशनली टच करना दैट इज बैटरी, अंडरस्टैंड गाइस। देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी फेलियर ऑफ द गिविंग नीड और केयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मीन्स नर्स नॉट प्रोवाइडिंग द केयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, यानी कि जस्ट जो केयर के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यदि केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। डू यू अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द बिलीफ दैट वंस ऑन कल्चरल वैल्यू एंड बिलीफ आर सुपीरियर और द ओनली करेक्ट वैल्यूज एंड बिलीफ्स इज और द ओनली करेक्ट वैल्यू एंड बिलीफ इज कल्चरल कॉम्पिटेंसी, कल्चरल डाइवर्सिटी, एथोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। क्या कहा जाता है इसे? व्हाट इज योर राइट आंसर? बच्चा, जस्ट द बिलीफ दैट वन ओन्स कल्चर वैल्यू एंड बिलीफ आर सुपीरियर टू ओनली द करेक्ट वैल्यू। एक जस्ट क्लाइंट है या पर्सन है, उसको क्या लग रहा है कि उसी का कल्चर और उसी के वैल्यू एंड उसी के बिलीफ सबसे सुपीरियर है, बाकी सब बेवकूफ है, ऐसा लग रहा है। यदि अगर किसी भी पर्सन को, क्लाइंट को ऐसा फील आ रहा है कि उसी के कल्चरल वैल्यू सबसे सुपीरियर है, उसी के वैल्यू सबसे सुपीरियर है, उसी के बिलीफ सबसे सुपीरियर है, हर किसी के बाकी के लोगों से सुपीरियर है, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, रिलीजियस भी हो सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चरल बिलीफ्स, ऐसा लग रहा है कि दैट हैव द मोर सुपीरियर कल्चर, या someone is thinking that he have the more superior culture, he have the more superior beliefs, या just he have the more superior values, if this type of the thoughts is coming in the someone patient या someone person, if these type of thoughts coming in someone, this is called ethnocentrism. क्या कहते हैं? इथनोसेंट्रिज्म से बोला जाता है, इस तरह के बिलीफ्स रखना, सुपीरियर बिलीफ्स वाले थॉट रखना, दैट इज कॉल्ड इथनोसेंट्रिज्म। क्या बोलते हैं? इथनोसेंट्रिज्म। क्या बोला? इथनोसेंट्रिज्म। अंडरस्टैंड गाइस, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि बाकी क्या होता है। बच्चे, द करेक्ट आंसर इज सी, इथनोसेंट्रिज्म इज द बिलीफ दैट वन ओन कल्चरल वैल्यू एंड बिलीफ आर सुपीरियर और द ओनली करेक्ट वैल्यू एंड बिलीफ्स। ये उसी के जो कल्चरल वैल्यू है, उसी के जो बिलीफ्स हैं, वही करेक्ट है, बाकी सब कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी, नेक्स्ट टर्म हमें मिला ऑप्शन ए के अंदर, कल्चरल कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू वर्क एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद पीपल ऑफ द अदर कल्चर्स, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ में मिलजुल के काम करना, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलजुल के काम करना क्या कहलाता है? कल्चरल कॉम्पिटेंसी। क्या कहलाया? कल्चरल कॉम्पिटेंसी, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलजुल करके इफेक्टिवली वर्क करना, दैट इज कल्चरल कॉम्पिटेंसी। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है? डिस्क्राइब द डाइवर्स ग्रुप इन सोसाइटी विच हैव वेरिंग रेसेस, नेशनल ओरिजिन, रिलीजियस अफिलिएशन, लैंग्वेज, फिजिकल साइज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, डिसेबिलिटी, सोशलिज्म स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। बच्चे, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है? कल्चरल डाइवर्सिटी होता है रंग भेद नीति, जो हमने कहा रंग भेद, यदि कि कलर के बेस पर जो रंग भेद किया जाए, यानी कि जस्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी मींस कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड करते हो? सोसाइटी के आधार पर, राइट, सोसाइटी के आधार पर कल्चरल क्या डिफरेंस, विच में वेरिंग रेसेस, रेस के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, जैसे भारतीय, इंडियन, देन अमेरिकन, देन अफ्रीकन, रिलीजियस एफिलिएशंस, रिलीजियस के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, फिजिकल साइज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर, एज के बेसिस पर, डिसेबिलिटीज के बेसिस पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर, ऑक्यूपेशनल स्टेटस के बेसिस पर और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंसेस को कहा जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? कल्चरल सेंसिटिविटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स नीड, कैरेक्टरिस्टिक एंड वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप्स, फैमिली, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के कल्चरल डाइवर्सिटीज को, डाइवर्स नीड्स को अंडरस्टैंड करना, समझना ही क्या कहलाया है? कल्चरल सेंसिटिविटी। ओके गाइस, सो दीज आर सम टर्म्स दे कैन बी आस्क्ड।
क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर द लॉ द नर्स मस्ट ऑब्टेन इनफॉर्म्ड कंसेंट बिफोर ट्रीटमेंट अनलेस द पेशेंट। इनमें से तीन ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा है, इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि अगर क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज केयरिंग अ पेशेंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट अंडर द लॉ द नर्स मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर ट्रीटमेंट अनलेस द पेशेंट। कौन सी ऐसी सिचुएशन है इसमें जिस सिचुएशन में आपको कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो इन विच कंडीशन? तो फर्स्ट इज मेंटली इल, रिफ्यूज टू गिव द इन्फॉर्म कंसेंट, आस्क द नर्स टू गिव सब्स्टिट्यूट कंसेंट। क्लियर है? तो जस्ट बच्चे ध्यान रखना, मेंटली इल पर्सन है तो मेंटली इल पर्सन तो कंसेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटली इल पर्सन का कंसेंट एक्सेप्टेड नहीं होता है, पहली बात तो अंडरस्टैंड। दूसरा, रिफ्यूज टू गिव द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट रिफ्यूज कर सकता है, ऐसा उसको राइट है। देन इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो यहाँ देखिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन यदि है तो ओनली द इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट कंसेंट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन में बिना किसी कंसेंट के ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। ओके, तो सो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा बताता हूं आपको, द लॉ डज नॉट रिक्वायर्ड इन्फॉर्म कंसेंट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, व्हेन द पेशेंट कांट गिव कंसेंट एंड नो नेक्स्ट टू किन इज अवेलेबल, या कोई भी उसके लिए कंसेंट देने के लिए अवेलेबल ना हो। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, बिकॉज व्हेन दोस थॉट अ पेशेंट हु इज द डिक्लेयर्ड मेंटली इल, तो जस्ट हु इज डिक्लेयर्ड मेंटली इनकॉम्पिटेंट कांट गिव द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मेंटली इलनेस डजंट बाय इटसेल्फ इंडिकेट दैट द पेशेंट इज इनकॉम्पिटेंट टू गिव द सच कंसेंट। तो जस्ट मेंटली इल पेशेंट्स कांट गिव द इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया जा सकता है मेंटली इल का। इनकरेक्ट, बिकॉज मेंटली कॉम्पिटेंट पेशेंट में रिफ्यूज टू रिवॉक द कंसेंट एट एनी टाइम। यदि कि बच्चे कोई मेंटली कॉम्पिटेंट है, मेंटली फिट है, तो उस व्यक्ति को राइट होता है कि वो कंसेंट देने से रिफ्यूज भी कर सकता है। इन्फॉर्म डी, ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज ऑल्दो द नर्स मे एक्ट एज अ पेशेंट एडवोकेट द नर्स कैन नेवर गिव द सब्स्टिट्यूट कंसेंट। यानी कि जस्ट नर्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप खुद सब्स्टिट्यूशन में कंसेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। यू आर अ एडवोकेट बट यू कांट जस्ट मेक अ सब्स्टिट्यूट कंसेंट, सो द ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन से काफी मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे, और एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैथोजन इन द टिश्यू कैन बी लोकल और सिस्टेमिक। दोस्तों ध्यान रखना, यदि बॉडी पर इन्फेक्शन होता है तो उसको लोकल इन्फेक्शन कहते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के अंदर या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है या किसी सिस्टम में इन्फेक्शन होता है तो दैट इज द सिस्टेमिक। कैन प्रोग्रेस फ्रॉम लोकल टू सिस्टेमिक, तो या फिर बॉडी का लोकल इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर सिस्टेमिक भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो जस्ट एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजन का एंट्री करना और मल्टीप्लाई करना, इसी को क्या कहा, इन्फेक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि यूटीआई कैन स्प्रेड टू किडनी एंड ब्लड स्ट्रीम, यूटीआई किडनी और ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता है, दैट इज यूरोसेप्सिस। जस्ट द इन्फेक्शन इज अकम्पनीड बाय द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। क्लियर है गाइज? जस्ट इन्फेक्शन के साइन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन के क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, एरिदमा होगा, एडिमा होगा, टेंडरनेस होगा, हीट होगा, डिक्रीज द फंक्शन होंगे, पुरुलेंट एक्सुडेट हो सकता है, पॉजिटिव कल्चर होगा, कल्चर में पॉजिटिव होगा। तो व्हाट आर द साइन ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ द लोकल इन्फेक्शन, साइट जहां इन्फेक्शन होता है वहां रेडनेस हो जाती है, एरिदमा होता है, एडिमा फॉर्म हो जाता है, टेंडरनेस होती है, हीट होता है, हल्का वार्म या हीट, अंडरस्टैंड। देन डिक्रीज फंक्शन, पुरुलेंट एक्सुडेट, किस टाइप के एक्सुडेट होंगे, एक्सुडेट्स विल बी पुरुलेंट,
देन द पॉजिटिव कल्चर। इफ द इन्फेक्शन इज सिस्टेमिक, यदि सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा तो ध्यान रखना वाइटल साइन बढ़ेंगे, वाइटल साइन इंक्रीज हो जाते हैं। वाइटल साइन में क्या क्या इंक्रीज होता है बच्चों, टी पी आर और बीपी, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, याद रखना वेरी मोस्ट, काफी मोस्ट हो सकता है। टीपीआर एंड बीपी तीनों इंक्रीज होंगे, चिल्स होगा, डाइफोरेसिस होगा, मेलेस होगा। तो डाइफोरेसिस एंड मेलेस को हम वहां पर लोकल इन्फेक्शन साइट पर नहीं ऑब्जर्व कर सकते, जब लोकल इन्फेक्शन साइट के क्लिनिकल फीचर पूछेंगे तो उसको ध्यान रखना आप, डाइफोरेसिस और स्वेटिंग इनको पहचानना होगा। मेलेस, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा, पॉजिटिव कल्चर होगा, ओकेजनली हेडेक होगा, मसल या जॉइंट्स के अंदर पेन होगा, चेंज इन द मेल्टल स्टेटस, दीज आर द सिस्टेमिक इन्फेक्शन, क्लिनिकल फीचर ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन के क्लिनिकल फीचर एक तरफ है, दूसरी तरफ है लोकल इन्फेक्शन के क्लिनिकल फीचर। ओके बच्चा, नर्सिंग केयर इन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के क्लाइंट्स को नर्सिंग केयर क्या करना होता है, असेस द वाइटल साइन, साइन सिम्टम ऑफ द इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, ऑब्टेन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी बिफोर फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। ये याद रखिएगा, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, हमेशा सैंपल ले रहे हो तो पहली डोज एंटीबायोटिक की एक ही डोज बॉडी में नहीं दिया हो, उसी से पहले लिया गया कल्चर सेंसिटिविटी ही मान्य होगा, वरना कल्चर सेंसिटिविटी यदि एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करने के बाद लोगे तो पैथोजन को किल कर देगा एंटीबायोटिक, और इसीलिए ऐसे कल्चर में कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक इफ इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। अवॉइड द एक्सेस बेड कवर, चेंज लिनन इफ द डाइफोरेटिक, एक्सेस बेड कवर्स यूज नहीं करें, चेंज लिनन इफ द डाइफोरेटिक। तो यहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पुट अप करता है दिल्ली एम्स, प्रमोट द रेस्ट एंड इमोबिलाइजेशन, गिव ओ2 आईवीएफ, आईवी फ्लूड दें, इंक्रीज पर ओरल फ्लूड, ओरल फ्लूड बढ़ा दें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है, विटामिन सी बढ़ाना होता है, वुंड केयर इज ऑर्डर्ड। बच्चे क्या क्या जरूरत है इन्फेक्शन के केस में, इंट्रावीनस फ्लूड बढ़ा दीजिएगा, ओरल फ्लूड बढ़ा दीजिएगा, ओ2 कनेक्ट कर दीजिएगा, प्रोटीन डाइट दीजिए, प्रोटीन डाइट इन्फेक्शन को कम करने के लिए, प्रोटीन एंड विटामिन सी डाइट, ध्यान रखिए विटामिन सी एंड प्रोटीन डाइट यूज की जानी चाहिए, मेंटेन द ट्रांसमिशन बेस्ट प्रिकॉशंस एज इंडिकेटेड। ओके गाइस, तो दैट इज द मैनेजमेंट इन केस ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बच्चा लोकल डिफेंसिव वेस्कुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और एलर्जी टू प्रोटेक्टिव एंड रिपेयर टिश्यू, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर्स एज एन इन्फेक्शन। तो जब कभी भी इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन इज वेरी अर्जेंट रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन के बाद या इंजरी के बाद बॉडी का फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इज अ वेरी अर्जेंट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, वाई, बिकॉज इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वुंड हीलिंग प्रोसेस। इन्फ्लामेशन अकर्स देन यू विल कंफर्म दैट द वुंड हीलिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। यदि इन्फ्लामेशन हुआ देन द वुंड हीलिंग प्रोसेस इज द स्टार्टेड इन द बॉडी। इफ नो इन्फेक्शन मीन्स इट इज डिलेइंग इन द वुंड हीलिंग, नो इन्फेक्शन यानी कि इन्फ्लामेशन का होना शुभ संकेत के अशुभ, मुझे बोलो शुभ या अशुभ, इन्फ्लामेशन होना शुभ संकेत है, क्या है बेटा, शुभ संकेत है, यस ऑर नो, अरे भाई बोलो शुभ संकेत है, यस ऑर नो, तो यस ऑर नो बोलो यार, अरे सो गए क्या तुम लोग, सो गए क्या बालक, 11 बजे अभी तो यार 11:15 हुए हैं, सो गए हो क्या, नहीं सोए ना, जागते रहो जागते रहो जागते रहो, दिल्ली एम्स नजदीक है, यस ऑर नो, अरे जागते रहो दिल्ली नजदीक है, यस ऑर नो, अरे भाई बोलो, बात सुनाई दे रही है ना। तो देखिएगा इन्फेक्शन के केस में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स अकर्स विद एन इन्फेक्शन। अब देखिए इन्फ्लामेशन में फर्स्ट हम जानते हैं क्वेश्चन जहां से पुट अप होगा वैस्कुलर चेंजेस। तो वैस्कुलर चेंजेस, बच्चों जब कभी भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो वैस्कुलर चेंजेस क्या होंगे, वैस्कुलर चेंजेस क्या आते हैं, तो सबसे पहले होता है इन्फ्लामेशन के बाद ब्लड वेसल्स में वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन के बारे में याद रखिएगा फर्स्ट चेंज, देन इसके बाद क्या होता है वैजो डायलेशन, एंड वैजो डायलेशन आफ्टर इन्फ्लामेशन इज द सेकेंड चेंज इन ब्लड वेसल्स। तो यदि क्वेश्चन किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फर्स्ट चेंज इन ब्लड वेसल आफ्टर इन्फ्लामेशन, तो आंसर होगा वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन।
व्हाट इज द सेकेंड चेंज इन ब्लड वेसल आफ्टर इन्फ्लामेशन? आंसर होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन. और इंक्रीज्ड परमेबिलिटी, इट इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. तो व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन? तीनों ही क्वेश्चन काफी यूनिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो इन्फ्लामेशन का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलेगा आपको. व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन? आंसर क्या जाएगा? इंक्रीज परमेबिलिटी. बच्चों जैसे ही सेकेंड स्टेप में वेजोडाइलेशन होगा, वेजोडाइलेशन होते ही कैपिलरीज का परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, और कैपिलरीज का परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से फ्लूड एस्केप होकर ब्लड वेसल्स में से इंटरस्टिशियल में आता है, और इंटरस्टिशियल में आ जाने की वजह से इस लोकल इन्फ्लामेशन साइट पर क्या हो जाता है? एडिमा डेवलप हो जाता है. तो फर्स्ट चेंज अकर इन द ब्लड वेसल आफ्टर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन के बाद ब्लड वेसल में आने वाला फर्स्ट चेंज वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, सेकेंड चेंज होता है वेजोडाइलेशन, और जैसे ही वेजोडाइलेशन होगा ब्लड वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ जाएगा. ब्लड वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ जाना, दैट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज द हॉलमार्क साइन. तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिए, फर्स्ट चेंज का क्वेश्चन, सेकंड चेंज का क्वेश्चन, हॉलमार्क साइन वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन काफी मोस्ट है. नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है, विच इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन. अभी अभी आपने थ्योरी पढ़ा है, अब आप आंसर करके बताइएगा व्हाट इज द हॉलमार्क. ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सीखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना सीखिए. देखिए आप क्या आंसर लोगे आप. व्हाट इज द हॉलमार्क, विच इज द हॉलमार्क साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन? हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक्यूट इन्फ्लामेशन पूछा जा रहा है. एक्यूट इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क साइन क्या है? तो जस्ट बच्चे, वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी इज द हॉलमार्क साइन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन. सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 12, अर्लीएस्ट ट्रांजिएंट चेंज फॉलोइंग द टिश्यू इंजरी. अर्लीएस्ट ट्रांजिएंट चेंज फॉलोइंग द टिश्यू इंजरी. जब कभी भी टिश्यू इंजरी होता है बच्चा, टिश्यू इंजरी होने के बाद, टिश्यू इंजरी होने के बाद सबसे पहले, जैसे यहां पर सपोज करो ये टिश्यू है, यहां पर यदि कोई इंजरी हो जाता है तो सबसे पहले ब्लड में से कौन सी सेल यहां पर आकर कलेक्ट होती है? न्यूट्रोफिल यहां सबसे पहले पहुंचने वाला सेल है. तो फर्स्ट रिच्ड सेल, याद रखना, सबसे पहले इंजरी साइट पर फर्स्ट रिच्ड सेल कौन सा होता है बच्चा? न्यूट्रोफिल. देन इसके बाद कौन सी सेल पहुंचती है? सेकेंड मोनोसाइट. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट रिच्ड सेल होता है इंजरी साइट पर न्यूट्रोफिल, एंड सेकेंड होता है बच्चा मोनोसाइट. इसलिए जस्ट हम आंसर करेंगे न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 24 आवर. इसलिए आंसर क्या होगा? न्यूट्रोफिलिया. सो द राइट आंसर इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. न्यूट्रोफिलिया, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट एट इंजरी साइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इंजरी साइट पर कौन सी सेल बढ़ती हैं? न्यूट्रोफिल बढ़ जाती हैं. तो स्टार्टिंग के 6 to 24 आवर में इंजरी साइट पर होती हैं बच्चा न्यूट्रोफिल. देन इसके बाद हम कहें 24 आवर से लेकर के और 48 आवर में जस्ट दीज आर रिप्लेस्ड बाय द मोनोसाइट. तो मोनोसाइट इन्हें रिप्लेस कर देती है, और फिर कौन सी सेल पहुंच जाती है? मोनोसाइट. अरे न्यूट्रोफिल सबसे छोटी सेल है लेकिन सबसे हिम्मत वाली है, यस ओ नो? सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होता है बट हिम्मत में सबसे ज्यादा होता है. और जब कभी भी देखो क्या हुआ, पैथोजन बॉडी में एंटर कर गए, देखो क्या हुआ, पैथोजेनिक अटैक हुआ. सपोज करो यहाँ पैथोजेनिक अटैक हुआ, पैथोजन आगे आते ही क्या हुआ, यहाँ पर पैथोजेंस ने आकर अपनी सेना खड़ी कर दी. अब उधर से बॉडी में इस बात का पता चला कि अरे भाई हमला हो गया, पैथोजन आगे. अब पैथोजन आगे तो उधर से सारी अलग अलग तरह की सेना है अपने पास, जल सेना है, थल सेना है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, इम्यूनोग्लोबुलिन से बॉडी में अलग अलग तरह की सेना है. उसमें कौन सी सेना? अरे भाई देखो, बी सेल है, टी सेल है. ये टी सेल होती है थल सेना, और ये होती है जल सेना. जल सेना मींस क्या? ये जलाशयों की रक्षा करती है. किसकी रक्षा करती है? जलाशयों की रक्षा करती है. जलाशयों को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं ह्यूमर. क्या कहते हैं?
ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर सुना होगा, और इसीलिए जस्ट बी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी मिलता है वो कहलाता है बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो आज के बाद याद रखना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी गिव्स बाय बी सेल, और टी सेल से जो इम्यूनिटी मिला वो सेल मीडिएटेड। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही पैथोजेंस बॉडी में एंटर करते हैं, चारों तरफ से सेना के ट्रक आकर के खड़े हो गए, सब गन ले लेकर के खड़े हो गए। लेकिन अब बात ये हो रही है सबके बीच में कि पहले कौन जाए, सबसे पहले कौन अटैक करे। तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं, उधर सामने आमने खड़े हो गए, इधर सामने पैथोजन की गाड़ियां खड़ी है, ट्रक खड़े, और इधर सेना खड़ी है, दोनों आमने सामने खड़े। अरे क्या ये देखते रहेंगे, लड़ाई होगी ना, वार होगा, युद्ध होगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहली बात ये हो रही है, ये जो पैथोजन है कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं। अब इधर से जो सेना है वो देख रही है कि यार क्या करें। तो बातचीत चल रही है कि सबसे पहले कौन जाए, जैसे बी सेल है, टी सेल है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, तो सबसे पहले कौन जाए, ये सबसे छोटी वाली कौन है, ये न्यूट्रोफिल है, ये मोनो, सबसे बड़ी वाली मोनोसाइट है, और ये बी सेल है, और ये टी सेल, सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी न्यूट्रोफिल। अरे न्यूट्रोफिल सबसे छोटी है लेकिन हिम्मत वाली है, पैथोजन से न्यूट्रोफिल ने विश्वास दिलाया, कहा कि ठीक है सबसे पहले युद्ध तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे सब कवर देना, कवर देना। यानी ऐसा कहके, और सबसे पहले इंजरी साइट पर कौन सा सेल पहुंचता है, न्यूट्रोफिल। फिर उसको कवर देने के लिए कौन सा सेल जाएगा, मोनोसाइट। कितने समय बाद, 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद जाता है मोनोसाइट। 6 घंटे में सबसे ज्यादा पहुंचने वाला सेल है 6R, इनिशियल 6R में न्यूट्रोफिल। तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 to 24 hours। क्लियर है गाइस, बात समझ गए दोनों, ये सेल वाला कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए आपका फिनिश। क्लियर, कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो यहाँ राइट आंसर इज न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल काउंट का बढ़ना। देन इंपॉर्टेंट MCQs देखिएगा बच्चा, इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्वेश्चन यहां से उठेगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये क्वेश्चन पुट अप हो गया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, आंसर क्या जाएगा, सब इन्फेक्शन। क्या आंसर करना है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, राइट आंसर इज इन्फेक्शन। क्या बच्चों, इन्फेक्शन, क्या राइट आंसर, इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर टू, टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज द हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। बच्चों जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क साइन क्या होता है, व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, अगला क्वेश्चन है मेरा। तो आंसर करना है आपको टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जैसे अगर मान लो मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस किसी को हो रहा है, क्या हो रहा हो, क्रॉनिक हेपेटाइटिस यदि अगर किसी क्लाइंट को हो रहा हो तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को क्या हो जाता है बच्चे, क्रॉनिक हेपेटाइटिस को धीरे धीरे सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस मीन्स ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किस तरह का, इन्फ्लामेशन किस टाइप का है, क्रॉनिक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यदि किसी पेशेंट को है तो धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से लिवर सेल्स का क्या होगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन एंड डीजनरेटिव चेंज आ जाएंगे लिवर के अंदर, लिवर में डिस्ट्रक्टिव, डीजनरेटिव और फाइब्रोटिक चेंज आना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। और इसी कंडीशन को कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। तो सिरोसिस ऑफ लिवर अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर। पिछले लेक्चर में मैंने पूरा हेपेटाइटिस पढ़ा रखा है, उसको देख लेना आप लोग, अंडरस्टैंड। तो देखना क्रॉनिक लीवर सिरोसिस अकर्स ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो क्वेश्चन जो था मेरा वो इतना सा था दिल्ली एम्स का, तो कि व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क क्या होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन। मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज आर प्राइमरी ल्यूकोसाइट फॉर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए कौन सी सेल्स प्राइमरी है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल मोनोसाइट है और मैक्रोफेज है, मोनोसाइट मैक्रोफेज, मोनोसाइट या मैक्रोफेज, ब्लड की मैक्रोफेज का नाम मोनोसाइट ही होता है। मैक्रोफेजेस आर द डोमिनेंट सेल इन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट सेल,
ये क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट सेल इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में डोमिनेंट सेल कौन सा, मैक्रोफेज। देन बच्चे व्हाट आर टू सेल दे आर प्राइमरी ल्यूकोसाइट्स इन क्रोनिक इन्फ्लामेशन, आंसर क्या होगा मोनोसाइट मैक्रोफेज। देन व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, आंसर क्या होगा टिश्यू डिस्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, आंसर क्या होगा इन्फेक्शन। क्लियर है गाइस, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन अबाउट द इन्फ्लामेशन। एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दोनों के क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, और दोनों में से पॉसिबिलिटी पूरी है कि एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का भी एक क्वेश्चन आता है। तो आज के जो लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ, करीब 25 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, आज करीब 25 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चे। पूरा दिल्ली एम्स का सिलेबस करना है अपने को 12 दिन के अंदर, अस्टेन 12 क्लासे लेंगे, उसमें पूरा दिल्ली एम्स पढ़ाऊंगा। ओके बच्चों, तो अभी आज जो क्लास है, इस क्लास के अंदर करीब 25 लेक्चर, और 25 लेक्चर में करीब आपके 2,500 क्वेश्चन बन सकते हैं। कल की जो क्लास थी उसमें भी इतने ज्यादा टॉपिक थे, बहुत ही ज्यादा टॉपिक है, अंडरस्टैंड। तो टॉपिक अभी अपने को मोस्टली कवर करना है क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है उस सिलेबस में से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना कि क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकते हैं, फिर उसका एक सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं बना करके कि ऐसा क्वेश्चन होगा, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ाई जाए और यदि अगर क्वेश्चन नहीं बताया जाए बच्चे को तो उस थ्योरी का भी कोई मीन्स नहीं होता है, कोई सेंस नहीं है उस थ्योरी का। तो क्वेश्चन और थ्योरी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, जब तक पैरेलल नहीं चलाओगे क्वेश्चन और थ्योरी को, थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन साथ पैरेलल चलाने पड़ेंगे, तब हम कंपटीशन को चैलेंज कर सकते हैं। यदि केवल थ्योरी पढ़े तो भी हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। यदि अगर आप केवल मात्र शुरू से, अभी मान लो तैयारी नहीं की आपने, प्रिपरेशन नहीं की, कोचिंग नहीं की, तैयारी नहीं है, और डायरेक्ट अगर गाइडेंस सोल्व करना शुरू कर दी तो उसका भी कोई मीन्स ही नहीं है, क्योंकि गाइड में कितने क्वेश्चन रट लोगे आप चाहे जितनी रट लीजिएगा, उस गाइड को रटने का कोई मीन्स ही नहीं है, फिर भूल जाओगे, रटोगे, इतनी मेहनत से किसी चीज को रटोगे बनाओगे फिर भूल जाओगे। इसलिए हमेशा कंसेप्ट्स को मजबूत करना ही MSN की मेन सबसे बड़ी पावर होती है, कि कंसेप्ट ऐसे आपको डिक्लेयर किए जाए, ऐसे बताए जाए कंसेप्ट कि ब्रेन में डायरेक्ट फीड हो जाने चाहिए, अंडरस्टैंड। तो MSN को जो लर्न करने का तरीका होता है वो सबसे ज्यादा इजी यही होता है कि हर चीज का रैशनल अगर बच्चे को पता है तो एक समय ऑटोमेटिक उसका नॉलेज काफी बूस्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिएगा ये क्वेश्चन काफी मोस्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस के नेम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको सबके मैक्रोफेज एक साथ बता देता हूँ कि कौन कौन से मैक्रोफेज होते हैं। ये तो काफी पॉपुलर है जो आप जानते हो, लीवर की मैक्रोफेज को कुप्फर सेल कहते हैं, CNS या ब्रेन की मैक्रोफेज को माइक्रोग्लिया बोला जाता है। बच्चों मोस्टली जितने भी बॉडी में वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन यानी कि सब पूरी बॉडी की, पहले तो कॉमन डिफेंस, WBC तो कॉमन डिफेंस है, पूरी बॉडी को सुरक्षा देती है। एक जो VIP लोग हैं उनके सबके पास अपने पर्सनल डिफेंस होते हैं, इसी तरह से जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर उनके पास सबके अपने पर्सनल डिफेंस होते हैं। तो पर्सनल डिफेंस के नाम आपको याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का आपको मिल सकता है। तो लीवर की मैक्रोफेज को कहते हैं कुप्फर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन की मैक्रोफेज को कहते हैं माइक्रोग्लिया, बोन की मैक्रोफेज को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, लंग्स की मैक्रोफेज को कहा जाता है डस्ट सेल, क्या बोलते हैं डस्ट सेल, डस्ट सेल एल्वियोलाइज में पाई जाती है, एल्वियोलर मैक्रोफेज भी बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की मैक्रोफेज को कहते हैं हिस्टियोसाइट, प्लेसेंटा की मैक्रोफेज आपसे कहा जा सकता है, और ये मुझे एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है इस साल का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैक्रोफेज ऑफ प्लेसेंटा, तो याद रखना होपबेड सेल, होपबेड सेल दे आर द मैक्रोफेज ऑफ प्लेसेंटा। स्प्लीन की मैक्रोफेज को लिटोरल ग्लैंड कहते हैं, लिटोरल सेल्स कहते हैं, लिटोरल सेल। किडनी के मैक्रोफेजेस को मेसेनग्लिया कहते हैं, और साइनोवियम के मैक्रोफेज में होती है टाइप ए लाइनिंग सेल्स, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर दोनों प्रकार की होती है टाइप ए और टाइप बी, इसमें से मैक्रोफेज होती है टाइप ए। अंडरस्टैंड बच्चों, टाइप ए दे आर द मैक्रोफेज ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियम, तो साइनोवियम की मैक्रोफेज। क्लियर है, ये सबके मैक्रोफेज हैं, याद करना होगा। देन ब्लड की मैक्रोफेज मोनोसाइट होती है, ब्लड की मैक्रोफेज को क्या कहते हैं मोनोसाइट। फिर कुछ स्पेशल नोट से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग,
यदि कहा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, बच्चा ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है। जैसे एक तो वुंड है, अगर वो फ्रेश वुंड है जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उसका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। यदि अगर वुंड हो रहा है, लोकल वाउंड है, लोकल वाउंड होने के बाद में अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्फेक्शन क्या करेगा, वाउंड हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द दैट इम्पेयर्ड द वुंड हीलिंग प्रोसेस। वुंड हीलिंग प्रोसेस को इम्पेयर करने वाला इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज है। जिंक एंड विटामिन सी रिक्वायर्ड फॉर द वुंड हीलिंग, एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, विच विटामिन देन विटामिन सी, विच एलिमेंट देन जिंक। तो जिंक प्लस विटामिन सी यदि कहा जाए तो दे इंक्रीज द वुंड हीलिंग प्रोसेस, दे रिक्वायर फॉर द वुंड हीलिंग प्रोसेस। तो दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इन्फेक्शन, दूसरा क्वेश्चन होगा जिंक एंड विटामिन सी। देन देखिएगा बच्चे, वुंड हीलिंग प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वुंड हीलिंग प्रोसेस। तो वुंड हीलिंग प्रोसेस तीन फेजेस होती है बच्चों, कितनी फेजेस, थ्री फेजेस होती है। फर्स्ट फेज इज द इन्फ्लामेटरी फेज, फाइब्रोब्लास्टिक फेज एंड मैच्यूरेशनल फेज। इन्फ्लामेटरी फेज, फाइब्रोब्लास्टिक, मैच्यूरेशनल, बच्चों 1 to 5 day, 1 to 5 day इज इन्फ्लामेशन, यानी कि वाउंड हीलिंग प्रोसेस में इन्फ्लामेशन कितने दिन तक रहता है, 1 to minimum for 1 day, maximum for 5 day। तो 1 to 5 day इन्फ्लामेशन, फाइब्रोब्लास्टिक फेज 4 day के लिए, मैच्यूरेशन 4 weeks से लेकर 1 year तक। तो कोई भी वाउंड होने के बाद में 4 week to 1 year द मैच्यूरेशनल फेज इज स्टार्ट। तो बच्चे इन्फ्लामेटरी फेज के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, इन्फ्लामेटरी फेज में पेन होगा, इन्फेक्शन वाउंड हीलिंग साइट पर, इन्फेक्शन साइट पर रेडनेस होगा, स्वेटिंग, स्वेलिंग होगा, वार्म होगा, लोकल एडिमा होगा। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ द इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ वाउंड हीलिंग प्रोसेस। वाउंड हीलिंग प्रोसेस के इन्फ्लामेटरी फेज का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है या फिर है, तो जस्ट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वार्म एंड लोकल एडिमा। फाइब्रोब्लास्टिक फेज 4 days के लिए होता है बच्चा, कितने डेज के लिए, 4 days के लिए। और स्कार फॉर्मेशन कौन सी फेज में शुरू होगा, तो फाइब्रोब्लास्टिक। इन विच फेज ऑफ द वाउंड हीलिंग प्रोसेस, क्वेश्चन क्या आएगा, इन विच फेज ऑफ द वाउंड हीलिंग प्रोसेस द स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट। तो जस्ट यू विल आंसर सर, इन फाइब्रोब्लास्टिक फेज द स्कार फॉर्मेशन इज स्टार्टेड। या फिर क्वेश्चन आता है कि स्कार फॉर्मेशन स्टार्टेड आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ इंजरी, तो आफ्टर 4 day ऑफ इंजरी, आफ्टर 4 day ऑफ इंजरी। या फिर क्वेश्चन होता है इन्फ्लामेशन रिमेन्स फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर इंजरी, तो इन्फ्लामेशन रिमेन्स फॉर 1 to 5 day, 1 to 5 day। या फिर कंप्लीट मैच्यूरेशन ऑफ द स्कार टेक्स 1 year, मैक्सिमम 1 year। या मैच्यूरेशन ऑफ द स्कार इज स्टार्टेड फ्रॉम 4th week, कब से शुरू होगा, 4th week to 1 year। स्कार बिकम थिन एंड इन इलास्टिक, दैट इज द मैच्यूरेशन ऑफ द स्कार। ओके गाइस, तो दीज आर 3 phases ऑफ वाउंड हीलिंग। साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मैं क्वेश्चन को पॉइंट आउट करूंगा इस पूरी थ्योरी में से, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन, ये सब रिलीज होंगे बच्चों। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने पर हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही इनका लेवल बढ़ता है, ये सब वैसोडाइलेटर होते हैं, वैसोडाइलेटर होने के कारण इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ा देंगे। ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ते ही कोजिंग द फ्लूड, प्रोटीन एंड सेल्स टू मूव इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यूज। देखिएगा ये है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में यहां पर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होते ही क्या हुआ बच्चा, वैसोडाइलेशन हुआ, वैसोडाइलेशन होते ही क्या हुआ, इस कैपिलरी में से फ्लूड सेल्स और प्रोटीन्स ये सब लीकेज होकर के और कहां आ गए, इंटरस्टिशियल एरियाज में आ जाते हैं।
इंटरस्टिशियल एरियाज में आते ही दिस कॉजेज द लोकल एडिमा, लोकल एडिमा होगा, हीट होगा, रेडनेस होगा, हिस्टामिन इरिटेट्स। अब ध्यान रखना, हिस्टामिन कभी भी यदि अगर ज्यादा क्वांटिटी में, हिस्टामिन दो सेल रिलीज करती है बॉडी में, याद रखना। अगर क्वेश्चन कहूं मैं आप विच ब्लड सेल, क्वेश्चन आया यदि अगर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल रिलीज हिस्टामिन। देखिएगा क्वेश्चन ऐसा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आया है मास्ट सेल, सेकंड ऑप्शन आया है जब बेसोफिल, थर्ड ऑप्शन आया है आपके पास लिम्फोसाइट, फोर्थ ऑप्शन आया है आपके पास मैक्रोफेज। दिल्ली एम्स इतने से ही क्वेश्चन देता है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। बताइए व्हाट इज योर राइट आंसर। प्यारे बच्चों, यही मैं सिखाना चाहता हूं। हो सकता है आप नींद में हो, हो सकता है आप लोग नींद में हो, क्योंकि आप सब मेरे लिए तो छोटे बच्चे ही हो, हो सकता है आप सब नींद में हो और और मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन था, एग्जामिनर कहाँ अटैक करता है, एग्जामिनर ब्रेन पे अटैक करता है, बच्चे के भेजे पे अटैक करता है कि बच्चा क्या सोचेगा और क्या सोच के आंसर करेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पर, ये मुझे पता था कि आप ऐसा करोगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखा। इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे मेरा पर्पस था कि आप में से मोस्ट ऑफ बच्चे मास्ट सेल आंसर लगाए, और वही किया आप लोगों ने, मास्ट सेल लगाया। ध्यान रखना बच्चा, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ने में क्या गलती की, आपने पढ़ने में ये गलती की कि आपने क्या अवॉइड कर दिया, ब्लड सेल। यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप इमोशनल हो गए, इमोशनल होते ही आपने इस बात को तो ध्यान दिया कि हमसे ये पूछा जा रहा है हिस्टामिन रिलीज करने वाली सेल कौन सी है, लेकिन अब इसके बाद ही आपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी विचार नहीं किया। आपने क्या विचार नहीं किया कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस आपको इतनी सी बात याद रही कि हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है, बस ये पूछा हमसे, तो आप क्या भूल गए। एकदम ड्रोजीनेस हो जाता है जब एग्जाम क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, जब एग्जाम सेंटर में बैठे हो और स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो बच्चे को क्या हो जाता है, ड्रोजीनेस हो जाता है, ड्रोजीनेस, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, कुछ पता ही नहीं रहता उसको क्या टिक कर रहा है, वो चल रहा है बस उसका, तो अब 3 घंटे बाद ही सांस लेगा। अरे थोड़ा रुक यार, धैर्य रख, 3 बातें याद रखना, हैव पेशेंस, जल्दबाजी मत करना एग्जाम में, हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस, Have patience, have confidence. थर्ड बात बोलूंगा have success. यदि अगर आपने अपने अंदर धैर्य को पाल लिया और कॉन्फिडेंस को पाल लिया तो सक्सेस अपने आप आ जाएगी। 2 बात याद रखना मेरी हमेशा एग्जाम देने जब भी बैठे हो, पहला पेशेंस, इस बात को कभी मत भूलना कि एग्जाम आपको हराने के पर्पज से आया है, जिताने के पर्पज से नहीं, वो आपको जिताना नहीं चाहता है, वो आपको हराना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना। क्वेश्चन ने पूछा था ब्लड सेल, अब मास्ट सेल कोई ब्लड सेल नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा तो यही डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था। हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, बेसोफिल। बच्चों मास्ट सेल, यदि मैं उसमें से ये हटा दूं, अगर ब्लड सेल ये हटा दूं तो फिर आंसर होगा आपका मास्ट सेल, लेकिन जैसे ही ब्लड सेल लिखेंगे तो आंसर होगा बेसोफिल। याद है, टॉपिक पे आ जाते हैं, तो हमने कहा हिस्टामिन इरिटेट एंड एडिमा प्लेसेस प्रेशर ऑन द नर्व एंडिंग्स एंड कॉजिंग द पेन। बच्चों अब क्या हुआ, एडिमा डेवलप हो चुका है इन्फ्लामेशन के कारण, तो एडिमा डेवलप होते ही एडिमा जस्ट प्लेसेस द प्रेशर ऑन द नर्व एंडिंग्स, एडिमा की वजह से नर्व एंडिंग्स पे प्रेशर पड़ता है
और हिस्टामिन नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करता है, इसलिए क्या होगा, पेन होगा। एडिमा एंड पेन कंट्रीब्यूट डिक्रीज द फंक्शन, एक्सुडेट मे बी। अब यहां से मैं बताऊंगा आपको एक्सुडेट्स के टाइप इज वेरी वेरी मोस्ट। देखिएगा इन्फ्लामेशन के साइन सिम्टम टॉपिक कवर हुआ। अब आता है बात एक्सुडेट यदि इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण यदि एक्सुडेट बन जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो एक्सुडेट कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। सबसे पहला एक्सुडेट हम जानेंगे कि कौन कौन से एक्सुडेट्स होते हैं। तो पहला एक्सुडेट यदि बात करें, एक्सुडेट क्लियर है, प्लाज्मा जैसा है, स्ट्रो कलर का है। यदि बोले आपसे एग्जाम कि इन्फेक्शन हो गया है, इंजरी साइट पर इन्फेक्शन हो चुका है और इन्फेक्शन में क्लियर प्लाज्मा लाइक स्ट्रो कलर एक्सुडेट रिलीज हो रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्सुडेट, ऐसे एक्सुडेट को सीरस कहते हैं। क्या बोला जाता है, सीरस। तो क्लियर प्लाज्मा लाइक, प्लाज्मा जैसा हल्का हल्का सा येलोविश स्ट्रो कलर का एक्सुडेट ओनली द सीरस। पिंक एक्सुडेट विद आरबीसी, बच्चा एक्सुडेट का कलर पिंक है और उसमें आरबीसी प्रेजेंट है तो सीरो सैंग्विनस। बच्चों रेड एक्सुडेट ड्यू टू द ट्रॉमा टू ब्लड वेसल, यदि ब्लड वेसल्स में ट्रॉमा हो गया तो डायरेक्ट ब्लड लीकेज होगा और ब्लड लीकेज होगा तो कलर कैसा होगा, रेड एक्सुडेट। तो रेड एक्सुडेट क्या इंडिकेट करता है, रेड एक्सुडेट रिलीज होना दैट इज इंडिकेटिंग द ट्रॉमा इन ब्लड वेसल। और ऐसा एक्सुडेट दैट इज द रेड इन कलर एंड जस्ट अकर्स ड्यू टू द ट्रॉमा इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड सैंग्विनस एक्सुडेट। येलोविश ग्रीन विद WBC एंड बैक्टीरिया, येलो कलर में ग्रीनिश WBC एंड बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड पुरुलेंट, और पुरुलेंट एक्सुडेट इंडिकेट द इन्फेक्शन। तो बच्चा चार प्रकार के एक्सुडेट हमने देखे, सीरस, सीरो सैंग्विनस, सैंग्विनस और पुरुलेंट। चारों में से ही पुरुलेंट ड्रेनेज दैट इज द इंडिकेटिंग इन्फेक्शन। तो विच एक्सुडेट इंडिकेटिंग द इन्फेक्शन, जस्ट द पुरुलेंट ड्रेनेज, पुरुलेंट एक्सुडेट्स रिलीज फ्रॉम द वुंड इंडिकेट द इन्फेक्शन। ओके बच्चा, इटियोलॉजी क्या होती है, लोकल ट्रॉमा, लोकल इन्फेक्शन। नर्सिंग केयर ऑफ इन्फ्लामेशन, यदि इन्फ्लामेशन है तो व्हाट इज द नर्सिंग केयर नीड्स, तो एलिवेट द एरिया इफ पॉसिबल टू डिक्रीज द एडिमा। सबसे पहला इन्फ्लामेशन के बाद उस बॉडी पार्ट को एलिवेट कर दिया जाना चाहिए, इससे क्या होगा, एडिमा डिक्रीज होगा। इमोबिलाइज द एरिया टू डिक्रीज पेन, पेन डिक्रीज करने के लिए क्या आवश्यक है, इमोबिलाइजेशन। एडिमा डिक्रीज करने के लिए क्या करना जरूरी है, एलिवेट। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इन्फ्लामेशन में क्या हुआ था, एडिमा हुआ, पेन हो रहा है, तो पेन को डिक्रीज करने के लिए विच नर्सिंग केयर, इमोबिलाइजेशन। टू डिक्रीज द एडिमा विच नर्सिंग केयर, एलिवेट द, गिव एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, अप्लाई आइस एट द टाइम ऑफ इंजरी टू डिक्रीज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन विच डिक्रीज पेन एंड एडिमा। क्लियर, तो अप्लाई द आइस एट द टाइम ऑफ इंजरी और या फिर हीट आफ्टर 24 to 48 hours टू सर्कुलेशन एंड रिमूव द डेब्राइज एंड लोकलाइज इन्फ्लामेशन। तो जस्ट बच्चे आपको याद रखना है, हीट एप्लीकेशन कैन बी अलाउड, हीट एप्लीकेशन अलाउ किया जा सकता है 24 to 48 hours के बाद। देन अप्लाई द आइस एट द टाइम ऑफ इंजरी, एट द टाइम ऑफ इंजरी आइस एप्लीकेशन से क्या होगा, इट इंक्रीज द, यहां पर इंक्रीज कर लेना, इंक्रीज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाएगा जिससे क्या होगा, पेन और एडिमा डिक्रीज होगा। तो इट इंक्रीज द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और सो डिक्रीज पेन एंड एडिमा। ओके बच्चा, तो दीट आर द नर्सिंग केयर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द इन्फ्लामेशन। फर्स्ट साइन ऑफ वुंड इंजरी, आंसर प्लीज। क्वेश्चन आया है आपके पास, एक काफी मोस्ट क्वेश्चन आया है, फर्स्ट साइन ऑफ वुंड इंजरी, वुंड इंजरी का फर्स्ट साइन क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ वुंड इंजरी।
व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंजरी? फर्स्ट साइन ऑफ वुंड इंजरी, वुंड इंजरी का फर्स्ट साइन होता है विच इज डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, याद रखना डायलेशन ऑफ कैपिलरीज दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ वुंड इंजरी। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको और एक ही क्वेश्चन याद रखना, टू मोर लेस देन टू स्टूल अ वीक ड्राई फीसेस कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो बस एक ही क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा हूं, देखिएगा ओनली वन क्वेश्चन, लेस देन टू स्टूल अ वीक, टू स्टूल अ वीक, लेस देन टू स्टूल अ वीक, एक वीक में दो से कम बार स्टूल पास करना दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन किसे कहेंगे? जस्ट पासिंग ऑफ स्टूल लेस देन टू टाइम्स इन अ वीक, वीक में दो से कम बार स्टूल पास करना दैट इज कॉन्स्टिपेशन। ओके, केवल ओनली ये वाली बात ही मैं सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर इन कॉन्स्टिपेशन, असेस द स्टूल फॉर फ्रीक्वेंसी अमाउंट एंड कलर कंसिस्टेंसी, इंक्रीज फ्लूड इनटेक, इंक्रीज द एक्सरसाइज, फाइबर डाइट, बाइंडिंग फूड, रेस्पॉन्ड द अर्ज, एनकरेज सिटिंग पोजिशन, एनकरेज सिटिंग पोजिशन, कॉन्स्टिपेशन वाले के लिए प्रेफर्ड पोजिशन, अर्ज के लिए रेस्पॉन्ड टू अर्ज, यानी कि जस्ट अर्ज बढ़ाने के लिए एनकरेजिंग द सिटिंग पोजिशन, रेगुलर टाइम ईच डे, इंक्रीज द रिलैक्सेशन एंड प्राइवेसी, गिव लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स, इनेमास एज ऑर्डर्ड। देन दूसरा मैं बताऊंगा डायरिया, नेक्स्ट डिजीज क्या पढ़ना है आपको, डायरिया, डायरिया कब बोलते हैं? पैसेज ऑफ द फ्लूड और अनफॉर्म्ड स्टूल मोर देन थ्री टाइम्स अ डे, केवल डेफिनेशन ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो डायरिया का डेफिनेशन याद रखना, पासिंग ऑफ द फ्लूड एंड अनफॉर्म्ड स्टूल, पासिंग ऑफ फ्लूड एंड अनफॉर्म्ड स्टूल कितनी बार? मोर देन थ्री टाइम्स अ डे, एक दिन में तीन से ज्यादा बार, ये याद रखना, कितनी से ज्यादा बार यदि अगर स्टूल पास कर रहा हो क्लाइंट तो उसको डायरिया कहा जा सकता है। तो जस्ट डायरिया कैन बी कॉल्ड व्हेन द क्लाइंट इज पासिंग द स्टूल मोर देन थ्री टाइम्स इन अ डे, एक दिन में तीन से ज्यादा बार स्टूल पास करना दैट इज कॉल्ड एज द डायरिया। अंडरस्टैंड? तो लेस देन टू टाइम्स इन अ डे दैट इज कॉन्स्टिपेशन, और मोर देन थ्री टाइम्स इन अ डे दैट इज द डायरिया। ओके, दोनों क्वेश्चन काफी मोस्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इटियोलॉजी, ठीक है आप रीड कर लेना बाद में, इसको ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड की वजह से डायरिया हो सकता है, वाटर से स्पाइसी ग्रीसी फूड, एंड देन रो सी फूड, एक्सेसिव रगीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, एड्स, ड्रग साइड इफेक्ट, एंजाइटी, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, इट मीन्स ये आईबीडी याद रखना, आईबीडी के दोनों में पढ़ा चुका हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स, इंजेक्शन ऑफ द हैवी मेटल, अब हैवी मेटल में कौन कौन से हैवी मेटल के इंजेक्शन से डायरिया हो सकता है? लेड से और मर्क्यूरी से, लेड और मर्क्यूरी दोनों से डायरिया होता है, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, दीज आर द एटियोलॉजिकल कॉजेज फॉर द डायरिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हेमरेज, अब हेमरेज के लिए जानिए, ब्लीडिंग दैट कंप्रोमाइजेस टिश्यू एंड ऑर्गन परफ्यूजन डिक्रीज, जब कभी भी हेमरेज होगा तो पल्स बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, बीपी घटेगा, नैरोविंग पल्स प्रेशर, एक्सेसिव ब्लड लॉस। बच्चों यदि अगर हेमरेज हुआ तो हेमरेज में क्या होगा? ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस होते ही फ्लूड का वॉल्यूम घटा, मीन्स हाइपोवोलेमिया होता है, हाइपोवोलेमिया होते ही क्या होता है बच्चा? जो पल्स प्रेशर होगा, पल्स प्रेशर इट मीन्स सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होगा ये डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज पल्स प्रेशर, देन डिक्रीज बीपी, बीपी हाइपोवोलेमिया के कारण बीपी घटा, देन इसके बाद हमने कहा कि रेस्पिरेशन, अब देखो क्या होगा, जैसे ही पेरिफेरल टिश्यूज, हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या हुआ, पेरिफेरल टिश्यूज में सप्लाई घट गया है, पेरिफेरल सप्लाई घटा, पेरिफेरल सप्लाई जब भी घटेगा तो यहां से नेगेटिव फीडबैक कहां जाता है? ब्रेन को, और ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाते ही और ब्रेन कंपेंसेट करेगा और दो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेगा, पहला स्टिमुलेट करेगा ब्रेन किसको? हार्ट को, और दूसरा ब्रेन किसको स्टिमुलेट करेगा? लंग्स को। तो हार्ट और ब्रेन और हार्ट और लंग्स स्टिमुलेट होंगे, हार्ट स्टिमुलेट होंगे इसलिए हार्ट रेट बढ़ेगा, लंग्स स्टिमुलेट होंगे इसलिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो इसीलिए जस्ट देखिएगा, मैंने कहा आपसे हेमरेज जब भी होगा तो पल्स और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा,
एक क्वेश्चन ध्यान रखना, कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना, काफी मोस्ट हो सकता है। कैपिलरी रिफिल टाइम मोर देन 3 सेकंड, डिक्रीज पेरिफेरल पल्स, कूल मोस्ट पेल एंड मॉटल्ड और साइनोटिक स्किन थर्स्ट, अर्ली क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, अर्ली और लेट, यहां से क्वेश्चन किया जाएगा। व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हेमरेज, हेमरेज के अर्ली साइन क्या क्या हैं, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस घटा, एंजाइटी घटा, इरिटेबिलिटी घटा, इरिटेबिलिटी एंजाइटी लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस घटा, एंजाइटी हुआ, इरिटेबिलिटी हुआ और रेस्टलेसनेस हुआ, तो बच्चा डिक्रीज एलओसी, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, दे आर अर्ली साइन ऑफ हेमरेज। व्हाट आर द लेट साइन ऑफ हेमरेज, कंफ्यूजन, लेथार्जी, कंबेटिवनेस एंड कोमा, दीज आर लेटर साइन ऑफ द हेमरेज। तो अर्ली और लेटर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की काफी संभावना है। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर इन केस ऑफ हेमरेज, हेमरेज में नर्सिंग केयर, यदि अगर हेमरेज अगर लोकल हेमरेज है यदि अगर बच्चों, तो फिर एक बात याद रखना, प्रेशर अप्लाई करना, लोकल प्रेशर बैंडेज, प्रेशर बैंडेज कितने समय तक अप्लाई करना ये पूछा जाएगा, तो याद रखना 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट के लिए प्रेशर बैंडेज को अप्लाई किया जाता है। मॉनिटर वाइटल साइन, इनपुट आउटपुट और लैब रिजल्ट, मेंटेन द एयरवे और गिव द ऑक्सीजन, एंश्योर दैट, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली एम्स ऐसी बातों को टारगेट करेगा, कितनी गोज नीडल यूज करोगे, मेंटेन द 18 गोज आईवी एक्सेस, फ्लूड जो देना है आपको वो कितने गोज से दिया जाएगा हेमरेज के क्लाइंट को, 18 गोज से दिया जाएगा, गिव आईवी फ्लूड, ब्लड और कोलोइडल प्रोडक्ट्स, तो जस्ट वी नीड टू एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूड बाय 18 गोज निडल। तो पहला क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट आउट किया है 18 गोज निडल साइज, दूसरा मैंने प्रेशर का टाइम 15 मिनट, दोनों ध्यान रखना बच्चों। ओके, देन आता है एक क्वेश्चन आपके पास, ये जो कंडीशन इमेज देख रहे हैं आप, दैट इमेज जस्ट इज अ इमेज, आइडेंटिफाई द गिवन डिजीज कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी, और ये है बच्चों ओरल कैंडिडाइसिस। ओरल कैंडिडाइटिस को कर्डी व्हाइट पैचेस बनते हैं, पैचेस ध्यान रखना कौन से टाइप के पैचेस बनते हैं ओरल कैंडिडाइसिस में, कर्डी व्हाइट पैचेस का टाइप कैसा होता है, कर्डी व्हाइट कलर के, कर्डी व्हाइट, और इसे ओरल थ्रश भी बोला जाता है, ओरल थ्रश। कैंडिडा एल्बिकेंस का इन्फेक्शन है, कैंडिडा एल्बिकेंस से होता है एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ओरल कैविटी के फंगल इन्फेक्शन को बोला जाएगा कैंडिडा एल्बिकेंस, ओरल कैंडिडाइसिस या ओरल थ्रश। ओरल थ्रश में जो पैचेस बनते हैं वो कर्डी व्हाइट टाइप के होते हैं, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस इमेज, दिस क्लाइंट इज सफरिंग विद द ओरल कैंडिडाइसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग डिजीज, और दिस इमेज इज शोविंग द सोराइसिस, ये सोराइसिस का पेशेंट है। नेक्स्ट, दिस इज अ पेशेंट सफरिंग विद द थायरोटॉक्सिकोसिस, एक्सोप्थेल्मोस या गोइटर, एक्सोप्थेल्मोस गोइटर, एक्सोप्थेल्मोस गोइटर से अफेक्टेड है, तो आईबोल जो है इसके आईबोल बड़े बड़े हो जाते हैं, आईबोल की साइज बढ़ जाती है, और आईबोल का साइज ओनली कब बढ़ता है बच्चों, एक ही डिजीज में बढ़ता है, जब किसी को टॉक्सिक गोइटर हो जाता है या थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का और क्या नाम है, टॉक्सिक गोइटर है, टॉक्सिक गोइटर, और टॉक्सिक गोइटर जब हो जाएगा तो एक्सोप्थेल्मोस गोइटर भी कहते हैं। जब किसी को एक्सोप्थेल्मोस हो रहा हो तो इसके कॉर्निया में बार बार ड्राइनेस और इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आई ग्लास यूज करना है। क्या यूज करना है, तो ये एक्सोप्थेल्मोस के लिए इंटरवेंशन बता रहा हूँ, व्हाट इंटरवेंशन नीडेड टू प्रिवेंट द एक्सोप्थेल्मोस, तो फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई द आई ग्लास टू प्रिवेंट द ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया। दूसरा बच्चे, इसको आई शंट यूज किया जाना चाहिए, रात को जब ये सोता है तो आंखें बंद नहीं होगी, और यदि आईज प्रॉपर क्लोज नहीं होगी तो इससे कारण से पेशेंट को ड्राइनेस और इन्फेक्शन होगा, इसलिए आई शंट यूज करेंगे नाइट टाइम पर सोते समय, आई शंट, और सन ग्लास यूज करेंगे, आई ग्लास टू प्रिवेंट द फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज से आईज को प्रिवेंट करने के लिए सन ग्लास, दिस इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मोस। क्या कहा इसको, एक्सोप्थेल्मोस। बच्चे जो टॉक्सिक गोइटर होता है, टॉक्सिक गोइटर का मोस्ट कॉमन कोज होता है ग्रेव डिजीज। क्या होता है ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज क्या होती है बच्चों, एंटी एंटी
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटी टीएसएच एंटीबॉडी ब्लड के अंदर बनती है, एंटी टीएसएच एंटीबॉडी बनती है और ये क्या करती है, टीएसएच रिसेप्टर्स को डैमेज करती है और टीएसएच रिसेप्टर्स को डैमेज करने के कारण से T3 T4 का लेवल बढ़ा देगी और इस प्रकार से यदि अगर गोइटर होगा तो ऐसा गोइटर थायरोटॉक्सिक गोइटर कहलाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप शॉक, ये टॉपिक आज मेरा लेने का दूसरा पर्पज है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली एम्स के पर्पज से, बिकॉज दिल्ली में काफी ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, यानी शॉक से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और शॉक इसीलिए यहाँ पर लेके आया हूं मैं। तो एक्यूट सर्कुलेटरी कोलैप्स डिक्रीज O2 टू द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, साइन सिम्टम में डिक्रीज बीपी, यूरिनरी आउटपुट घटेगा, बीपी घटेगा। तो देखो वैसे शॉक के ऊपर मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पहले की जो क्लास ली थी वो शॉक पे ही ली थी, तो उस क्लास को भी ध्यान रखना। तो शॉक पे एक क्लास ऑलरेडी हो गई है, उस क्लास को आज ही देख लेना आप या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके देख लेना, उसमें क्वेश्चन है, दो लेक्चर है, वो शॉक पे दो क्लास है मेरी, पार्ट वन और पार्ट टू, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों क्लास देखना आपको जरूरी है, तो शॉक के पूरे क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे आपको। अभी मैं शॉक से रिलेटेड कुछ थ्योरी बताऊंगा आपको। कैपिलरी रिफिल टाइम यहाँ पर बढ़ जाएगा मोर देन 3 सेकेंड, क्वेश्चन आता है कूल होगी स्किन, पेल होगी, मॉटल्ड होगी, साइनोटिक होगी और चेंज इन द मेंटल स्टेटस। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, टाइप ऑफ शॉक। तो टाइप ऑफ शॉक में पहला हाइपोवोलेमिक होगा, दूसरा न्यूरोजेनिक होगा और थर्ड एनाफाइलेक्टिक होगा, सेप्टिक होगा। अब जो ये है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पूछा जाते हैं आपसे क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। जब हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो पेरिफेरल पल्स घटती है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्लीएस्ट असेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज पेरिफेरल पल्स। पेरिफेरल पल्स घटते ही किडनी की ब्लड सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज, किडनी का ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ओलिगुरिया होगा या फिर हो सकता है एन्यूरिया, कंप्लीट सीजेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, तो ओलिगुरिया या एन्यूरिया होगा। देन बच्चे लैक्टिक एसिडोसिस होता है, तो लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप इन विच शॉक, कौन से शॉक में लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप होगा, आंसर जाएगा हाइपोवोलेमिया। देन बच्चे आरआर बढ़ेगा, टेकिपनिया होगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा, टैकीकार्डिया होगा। देन बच्चे वीक थ्रेडी पल्स, पल्स कैसा होगा, वीक एंड थ्रेडी। देन क्या होगा, स्वेटिंग होगा और हाइपोटेंशन होगा। देन दूसरा ध्यान रखना न्यूरोजेनिक में क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया होगा, वार्म एंड ड्राई स्किन, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वार्म शॉक किसे कहते हैं, न्यूरोजेनिक को। हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर घटेगा, न्यूरोजेनिक शॉक में टेम्परेचर रिड्यूस होगा, हाइपोटेंशन होगा एक न्यूरोजेनिक में, ये भी काफी कंफ्यूजनल क्वेश्चन होता है। तो हाइपोटेंशन होगा, ड्राई एंड वार्म स्किन होगी, वार्म एंड ड्राई स्किन, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और ब्रेडीकार्डिया। क्लियर है, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरोजेनिक। नेक्स्ट होगा एनाफाइलेक्टिक, तो एनाफाइलेक्टिक क्यों होता है, एलर्जिक रिएक्शंस के कारण। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में एंजाइटी होगा, थ्रोट टाइटनेस होगा, स्ट्राइडर होगा, टैकिपनिया होगा, डाइफोरेसिस होगा एंड फ्लशिंग होगा, अर्टिकरिया होगा और कोमा होगा। क्लियर है बेटा, तो ध्यान रखना ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अलग टाइप के जो शॉक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें से एक फीचर को पॉइंट आउट करता है एग्जामिनर और पूछता है कि इस तरीके के शॉक में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ एनाफाइलेक्टिक या हाइपोवोलेमिक या फिर सेप्टिक, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्ट, तो आपको पहचानना होगा कि ऐसा होगा। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर हाइपोटेंशन होता है, अंडरस्टैंड, यहाँ पर ब्रेडीकार्डिया होता है और यहाँ क्या होगा बच्चा, टैकीपनिया होता है और टैकीकार्डिया होता है, तो यहाँ पर एक इंटरचेंज कर देगा ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया के साथ में। एनाफाइलेक्टिक में डाइफोरेसिस, फ्लशिंग, अर्टिगरिया और कोमा। सेप्टिक में क्या होगा, सेप्टिक इन्फेक्शन के कारण होने वाला शोक है, फीवर होगा, चिल्स होगा, राइगर होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, बाउंडिंग पल्स होगा, वर्म होगा और पेरिफेरी होगा। क्लियर। एटियोलॉजी हाइपोवोलेमिक क्यों होता है, ब्लड लॉस के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, न्यूरोजेनिक क्यों होता है, स्पाइनल कोड इंजरी के कारण या एनेस्थेसिया के कारण, तो दोनों याद रखना। ये न्यूरोजेनिक शॉक के कारण क्या हो सकता है, न्यूरोजेनिक शॉक का विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल कोज, तो स्पाइनल कोड इंजरी और एनेस्थेसिया। एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक्सपोजर टू द एंटीजन्स। सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन, एंडो या एक्सोटॉक्सिन्स, तो इन्फेक्शन पैथोजन क्या, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आके एंडो या एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे क्या होगा बच्चा, शॉक होगा। अब आती है बात शॉक के केस में इमरजेंसी इंटरवेंशन,
तो इमरजेंसी इंटरवेंशंस क्या होते हैं, काफी मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट। एस्टाब्लिश एयरवे, सक्शन करो यदि जरूरत है तो। O2 कौन से डिवाइस यूज करोगे O2 एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्वेश्चन काफी जानदार है। नॉन रीब्रीदर मास्क, विच डिवाइस इज यूज टू एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन फॉर द पेशेंट विथ शोक, तो नॉन रीब्रीदर मास्क। क्या फ्लो रेट रखना है, 10 to 15 liter per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच डिवाइस यूज, नॉन रीब्रीदर मास्क, क्या फ्लो रेट रखना है, 10 to 15 liter per minute। कौन सा पोजीशन इज मस्ट सुटेबल, सुपाइन पोजीशन विद लेग्स एलिवेटेड, लेग्स को एलिवेट करके रखना है और सुपाइन पोजीशन विद लेग्स एलिवेट, यस और नो। अनलेस एयरवे कंप्रोमाइज्ड देन सेमी लो फाउलर, यदि अगर एयरवे डैमेज हो रहा है, एयरवे में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो फिर विच इज प्रेफर्ड पोजिशन, विच इज द लो फाउलर पोजिशन। एनश्योर आईवी एक्सेस विद 18 गोज निडिल, किससे फ्लूड देना है, 18 गोज निडिल से फ्लूड शुरू करना है। इंट्यूबेशन करो, सेंट्रल वीनस कैथेटर, आईवी फ्लूड, इमरजेंसी नीड्स मेड्स और ट्रांसफर टू आईसीयू, ये ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा हूँ बच्चों। ये स्पेसिफिक मैनेजमेंट हाइपोवोलेमिया के लिए जस्ट काउंटर ब्लीडिंग इफ प्रेजेंट, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट विद क्रिस्टेलॉइड, तो हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो किस तरह का फ्लूड दोगे, क्रिस्टेलॉइड देना है, कौन सा क्रिस्टेलॉइड फ्लूड देना है, क्योंकि बच्चों जब शॉक होता है तो शॉक में यदि अगर ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड लॉस के साथ साथ ही क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस और ब्लड लॉस को रिप्लेस करने के लिए वी नीड टू स्टार्ट द क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड या फिर प्लाज्मा एक्सपेंडर्स भी यूज लिए जा सकते हैं या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स काम में लिए जा सकते हैं। सेप्टिक शॉक के लिए स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, एंटीबायोटिक, वैसोप्रेशर, एंटीपायरेटिक। न्यूरोजेनिक शॉक के लिए क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट चाहिए, एंश्योर द स्पाइनल स्टेबिलाईजेशन और वैसोप्रेशर, दीज आर द स्पेसिफिक मैनेजमेंट दैट रिक्वायर इन स्पेशल टाइप ऑफ द शॉक। नेक्स्ट बच्चों, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए आप वैसोप्रेशर दें, कार्डियोटॉनिक दें, एंटी डिसरिथमिक दें। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए इपिनेफ्रिन दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन स्टीरोइड दिया जाता है, अभी ड्रग ऑफ चॉइस में बताऊंगा सबके। अब वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन ऑन द शॉक, शॉक के ऊपर वेरी स्पेशल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, शॉक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग द सर्जिकल पेशेंट, पहला एक्सीलेंट क्वेश्चन है, 2-star क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से आता है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमंग द सर्जिकल पेशेंट, सर्जिकल पेशेंट्स की डेथ का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, तो आंसर जाएगा शॉक। मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा होता है, आंसर जाएगा हाइपोवोलेमिक। बेस्ट गाइड फॉर द शॉक इज ऑब्टेंड बाय, अब शॉक के बारे में बेस्ट असेसमेंट कौन से टाइप के प्रेशर से करते हैं, तो PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इज मोस्ट प्रेफर्ड इन केस ऑफ द शॉक, तो बेस्ट गाइड। यदि बच्चों अगर CVP एंड PCWP यदि दोनों को कंपेयर किया जाए शॉक के केस में, तो व्हाट वी प्रेफर PCWP, क्या प्रेफर करोगे, PCWP प्रेफर करेंगे, तो विच वी प्रेफर टू बेस्ट गाइड द शॉक, तो बेस्ट गाइड द शॉक by the PCWP is the best guide for shock, clear है बच्चा। ABG analysis करेंगे तो क्या मिलता है, metabolic acidosis, next question, और ये बहुत standard question है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाला हर question बहुत standard है आज की class का। best clinical guide for tissue perfusion, तो tissue perfusion के लिए best clinical guide होता है urine output। रॉप क्या होता है, रॉप का मींस होता है बच्चा पल्स रेट डिवाइडेड बाय पल्स प्रेशर, पल्स रेट डिवाइडेड बाय पल्स प्रेशर, पल्स रेट डिवाइडेड बाय पल्स प्रेशर, दिस इज कॉल्ड रॉप। रॉप इज यूजफुल टू असेस, रॉप किस काम में आता है, इज यूज्ड टू असेस द हेमरेजिक शॉक, बच्चों हेमरेजिक शॉक के पेशेंट को असेस करने के लिए विच क्राइटेरिया इज यूज्ड, तो क्वेश्चन बनता है कि विच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू असेस द हेमरेजिक शॉक, तो क्या आंसर देना है आपको एग्जाम के अंदर, रॉप। रॉप क्या होता है, तो जस्ट पल्स को, जस्ट आपसे कहा पल्स रेट को किससे डिवाइड करते हैं कि रॉप कहलाता है,
पल्स को पल्स प्रेशर से डिवाइड करते हैं, पल्स रेट को पल्स प्रेशर से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज द रॉप। और रॉप क्राइटेरिया इज यूज टू असेस द हेमरेजिक शॉक। नेक्स्ट जो बताऊंगा वो बताने वाला हूं मैं सबके एक साथ ड्रग ऑफ चॉइस, और ड्रग ऑफ चॉइस को भी रट लेना बच्चों। शॉक के ड्रग ऑफ चॉइस, एनाफाइलेक्टिक का ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रिनलिन बच्चों, कार्डियोजेनिक का ड्रग ऑफ चॉइस होता है नॉर एड्रिनलिन और या फिर डोपामिन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस होता है नॉर एड्रिनलिन या फिर फिनाइल एफरीन। हाइपोवोलेमिक का ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रिस्टेलॉइड्स। शॉक विद ओलिगुरिया, यदि ऐसी कंडीशन क्रिएट करके दे दे एग्जामिनर कि शॉक विद ओलिगुरिया, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगा डोपामिन। कौन सा? डोपामिन। हाइपो एड्रिनलिन शॉक, हाइपो एड्रिनलिन, यदि बच्चों एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनलिटी डिक्रीज होना, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो सकता है हाइपो एड्रिनलिन शॉक। मैं बताता हूं बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, जहां जरूरत होगी वहीं मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, क्योंकि टॉपिक अपने को पूरे कवर करने। तो देखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट है, कोर्टेक्स और मेडुला। अब देखिएगा कोर्टेक्स और मेडुला क्या करेगा, तो इधर देखिए कोर्टेक्स रिलीज करता है बच्चों एल्डोस्टेरॉन, क्या रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन क्या कहलाता है, ये सोल्ट रिटेन करता है Na+ का, Na+ रिटेन करता है, तो Na+ रिटेन करने के साथ इसका क्या दूसरा Na+ और H2O का रिटेंशन करता है, जहां सोडियम रिटेन होगा वहां वाटर रिटेन होता है साथ के साथ ही। बच्चों यदि कभी अगर आप नमक की डिब्बी को खुला छोड़ के रख दोगे तो आप देखोगे कुछ समय बाद उसमें ऑटोमेटिक मॉइस्चर आ जाएगा, तो मॉइस्चर आने का कारण क्या है, क्योंकि सोडियम हमेशा क्या करता है वाटर को रिटेन करता है, और जब भी सोडियम होगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, तो सोडियम के साथ वाटर का रिटेंशन बढ़ता है। अब क्या हो जाए बच्चों, एल्डोस्टेरोन यदि घट गया, यानी कोर्टेक्स में हमने क्या कहा हाइपो एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड की सेंसिटिविटी फंक्शनलिटी रिड्यूस हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड यदि डिक्रीज्ड फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन घटेगा तो क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन घटेगा। रीअब्जॉर्प्शन घटा, क्यों घटा, क्योंकि जैसे ही एल्डोस्टेरॉन घटा तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म घट गया है, और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म घटा और इसकी वजह से यदि शॉक होगा तो ऐसा शॉक कहलाएगा बच्चा हाइपो एड्रिनलिन शॉक। इस केस में देना है आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक, तो सेप्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके, क्लियर है शॉक से। नेक्स्ट होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये क्वेश्चन आएगा, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ध्यान रखना बच्चों। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में सिस्टोलिक बीपी कितना घटता है, जब पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम सुपाइन टू सिटिंग और सिटिंग टू स्टैंडिंग, यदि पेशेंट अगर सुपाइन से सिटिंग में आता है और सिटिंग से स्टैंडिंग में आता है तो उसका बीपी डिक्रीज होता है। बीपी का डिक्रीज होना ही क्या कहलाएगा, पोजीशन चेंज करने पर बीपी में रिडक्शन को ही ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, पोस्चुरल भी बोलते हैं। तो कितना होगा, सिस्टोलिक बीपी में ड्रॉप होता है मोर देन 10-15 mmHg, ये कुछ पैरामीटर याद रखना, सिस्टोलिक बीपी का लगभग 10-15 से भी ज्यादा, तो सिस्टोलिक बीपी रिडक्शन इन द सिस्टोलिक बीपी में कितना रिडक्शन, 10 mmHg, 12 या 15, तो 10-15 तक रिडक्शन होता है। डायस्टोलिक बीपी के अंदर मोर देन 10 mmHg, और बच्चों जैसे ही बीपी घटेगा तो पल्स रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, तो पल्स रेट के अंदर बढ़ जाना, इंक्रीज पल्स रेट कितना बढ़ेगा, 10-15%, तो 10-15% इंक्रीज। तीनों पैरामीटर याद रखिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन सिस्टोलिक बीपी में इंक्रीज मोर देन 10-15, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज, अरे यार डिक्रीज आएगा साइन, या सब में उल्टे लगा दिए मैंने, ओके, और या इंक्रीज, ठीक है। तो सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज मोर देन 10-15 mmHg, और डिक्रीज डायस्टोलिक बीपी मोर देन 10 mmHg, डायस्टोलिक बीपी का 10 mmHg से ज्यादा डिक्रीज होना, सिस्टोलिक बीपी का 10-15 mmHg से ज्यादा डिक्रीज हो जाना, पल्स का बढ़ जाना, 10-15% पल्स बढ़ जाएगा,
इस तरह के जो चेंज होते हैं बच्चों, ये चेंज कहलाएंगे, पोजीशन चेंज करने पर ऐसा चेंज होना, ये पैरामीटर चेंज होना ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। डिक्रीज बीपी व्हेन राइजिंग फ्रॉम दी लाइंग डाउन सिटिंग टू स्टैंडिंग और सेकेंडरी टू द पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, मेन जो रीजन होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने का, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने का क्या रीजन होता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का मेन रीजन क्या होता है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन विदाउट अ कंपेंसेटरी इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। अब कभी भी पेरिफेरल वैसोडाइलेशन यदि होगा तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होने ही कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए। अब कार्डियक आउटपुट यदि नहीं बढ़े और पेरिफेरल वैसोडाइलेशन भी हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको हाइपोटेंशन होगा, और ऐसा हाइपोटेंशन क्या कहलाता है, ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चुरल, पोस्चुरल या हाइपो ऑर्थोस्टेटिक। अब ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चुरल होगा तो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं बच्चा, क्लिनिकल फीचर लाइट हेडेडनेस होता है, देन इससे वर्टिगो होता है, वीकनेस होता है, कूल पेल और डाइफोरेटिक स्किन। तो कूल पेल और डाइफोरेटिक स्किन, वर्टिगो, वीकनेस, लाइट हेडेडनेस, क्लियर है, दीज आर क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट इन केस ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ओके, इडियोलॉजी क्या होगा, ओल्डर एज में हो सा। अब एक सबसे बड़ी बात जो है वो है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कौन सी कंडीशंस में होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ओल्ड एज में होगा, इमोबिलिटी की वजह से होगा, देन हाइपोवोलेमिया के कारण होगा, एनीमिया में भी हो सकता है बच्चों, डिसरिथमिया में भी होता है, मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। अब कौन कौन सी मेडिसिन है जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कर सकती है, तो ओपोइड से, एंटी हाइपरटेंसिव है, और डायूरेटिक से, ये तीनों याद रखना है ना। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट हो सकता है कि कौन कौन सी कंडीशन में ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा, ओल्ड एज में, इमोबिलिटी में, हाइपोवोलेमिया में, एनीमिया, डिसरिथमिया, मेडिसिन साइड इफेक्ट, ओपोइड, हाइपरटेंसिव, डायूरेटिक। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का, असेस फॉर द इंक्रीज पल्स एंड डिक्रीज बीपी चेंजिंग पोजिशन, राइज स्लोली, डेंगल बिफोर स्टैंडिंग, स्लोली डेंगल बिफोर स्टैंडिंग, रिज्यूम प्रायर पोजिशन इफ डिजी, असेस टू बेड, चेयर, फ्लोर, फॉलिंग। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो रिस्क होती है बच्चों, एकदम बीपी घटेगा तो पेशेंट जमीन पे गिर सकता है, तो मोस्ट डेंजरस रिस्क फॉर फॉलिंग, तो रिस्क फॉर फॉलिंग इज द डेंजरस रिस्क फॉर फॉलिंग। तो यहाँ पर किसकी संभावना है, गिरने की संभावना है, दैट इज द मोस्ट रिस्क, मोस्ट डेंजरस रिस्क फॉर द पेशेंट विद ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। इसलिए क्या करें, पोजीशन को स्लोली चेंज किया जाना चाहिए, डू नॉट स्टैंड मोर टाइम इन वन पोजीशन, एक पोजीशन में पेशेंट ज्यादा समय तक खड़ा ना रहे। तो इंटरवेंशन क्या जरूरी है कि डू नॉट स्टैंड इन अ सिंगल पोजिशन फॉर मोर टाइम, डू नॉट चेंज द पोजिशन वेरी रैपिडली, धीरे धीरे स्लोली पोजिशन चेंज किया जाना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंटरवेंशंस थे। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाइए वापस क्वेश्चन सेशन पे, थोड़ा बहुत लेक्चर और बच रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैनूवर, बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैनूवर, तो दिस मैनूवर इज द केटल ब्रास मैनूवर, इस मैनूवर को कहते हैं केटल ब्रास मैनूवर। क्या कहते हैं, केटल ब्रास मैनूवर। केटल ब्रास मैनूवर क्यों किया जाता है बच्चों, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स को एक्सपेंड करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए जो मैनूवर किया जाता है, उस मैनूवर का नाम है ये केटल ब्रास मैनूवर। तो याद रखना, ये इमेज अगर आएगी दिल्ली के अंदर तो केटल ब्रास मैनूवर इसका नाम है, और ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स को एक्सपेंड करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो देखिए, केटल ब्रास मैनूवर और यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव रेट्रोपेरिटोनियल एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए इस मैनूवर को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड, ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये है बच्चों सिम्स पोजीशन। कौन सा पोजीशन है, सिम्स पोजीशन है, अंडरस्टैंड, तो दिस इज द सिम्स पोजीशन। क्या नाम है इस पोजीशन का, सिम्स पोजीशन, क्लियर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द साइन? तो बच्चों ये जो साइन आप देख रहे हैं ये साइन है दो, ये साइन किसका साइन है? ये साइन क्या कहलाता है? कार्पोपेडल स्पाज्म वाला साइन है। कार्पोपेडल स्पाज्म आ गया, तो कार्पोपेडल देखिएगा दो साइन आपको पढ़ाए जाते हैं, मैं दो साइन पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, ज्यादा जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? अरे जल्दी तो नहीं है ना, बता देना मुझे लिख करके, कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना? बेटा कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, क्लास लें बढ़िया आराम से, क्योंकि अभी टॉपिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है और आज का फिनिश आज ही करेंगे ना, डेली का काम डेली करेंगे तभी जाके हमारा पूरा कोर्स होगा एम्स दिल्ली तक, वरना नहीं होगा। अंडरस्टैंड? देखो मैं बताना चाह रहा था आपको हाइपोकैल्सीमिया, तो जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो हाइपोकैल्सीमिया का कारण क्या है? सबसे पहली बात, डिक्रीज पीटीएच इसका कारण है। पीटीएच को कहते हैं बच्चा बोन चूसक हार्मोन, इसका नाम याद रखना, बोन चूसक हार्मोन। बोन चूसक हार्मोन क्यों कहा इसको? क्योंकि ये बोन का जो कैल्शियम होता है, बोन का जो कैल्शियम होता है, बोन के कैल्शियम को क्या करेगा ये बोन के कैल्शियम को, ये बोन के अंदर जो कैल्शियम है, बोन में जो कैल्शियम है, ये बोन है, बोन के कैल्शियम को चूसता है, और बोन के कैल्शियम को चूस के कहां लेके आ जाता है ये लेके आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए याद रखना बोन चूसक हार्मोन किसका नाम है? पीटीएच का। यदि पीटीएच घट गया तो ब्लड कैल्शियम घट जाएगा, ब्लड कैल्शियम यदि घटेगा तो क्या होगा बच्चा? ब्लड कैल्शियम घटते ही और मसल्स के अंदर स्पाज्म आना शुरू हो जाएंगे। तो हम मसल्स के स्पाज्म को दो तरह से असेस कर सकते हैं। सबसे पहला असेस करने का तरीका है हमारे पास चोस्टेक साइन, और दूसरा होता है ट्रोसियस साइन। तो बच्चों जैसे ही बोन्स के अंदर से कैल्शियम, बोन चूसक हार्मोन घटा, बोन चूसक हार्मोन घटते ही और जस्ट बोन में से कैल्शियम रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा, ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते, ब्लड कैल्शियम घट जाएगा। ब्लड कैल्शियम यदि अगर घटा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया होते ही बच्चों क्या होगा? मसल्स के अंदर वीकनेस आने लगेंगी, मसल्स में वीकनेस होने लगेंगी। मसल्स के इस वीकनेस को कहते हैं टिटैनी, क्या कहा जाएगा? टिटैनी। तो टिटैनी यदि हुआ, तो टिटैनी होते ही और हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण मसल्स में क्या होगा? स्पाज्म। मसल्स में स्पाज्म को या टिटैनी को या हाइपोकैल्सीमिया को दो साइन के द्वारा असेस किया जा सकता है। सबसे पहला साइन क्या करना है आपको? ये जो एरिया देख रहे हैं आप जाइगोमेटिक वाला एरिया, ये जहां दोनों आपके जॉ मिलते हैं, इस एरिया पे होती है फेशियल नर्व। तो जस्ट व्हेन वी टैप ऑन द फेशियल नर्व, जब फेशियल नर्व को आप टैप करोगे तो देयर इज अ स्पाज्म इन द फेशियल मसल। फेशियल मसल में स्पाज्म आ जाएगा कब? व्हेन वी टैप ऑन द फेशियल नर्व, जैसे ही फेशियल नर्व को टैप किया, टैप करते ही क्या हुआ बच्चा? फेशियल मसल में स्पाज्म आ गया। तो व्हेन वी टैप ऑन द फेशियल नर्व देयर इज अ स्पाज्म इन द फेशियल मसल, फेशियल मसल में स्पाज्म आ गया। तो फेशियल मसल के इस स्पाज्म को कहा जाता है चोस्टेक साइन, क्या कहते हैं? चोस्टेक साइन। ऐसा कब होगा? ओनली जब बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम घटा हुआ है या फिर टिटैनी हो रहा है। दूसरा, यदि अगर आप कार्पल पे या फिर पैडल पे कार्पल या पैडल पे यहां पर ब्लड प्रेशर कफ यदि अगर आप बांधते हैं और उसको फुला देते हैं 4 मिनट के अंदर अंदर, और आप देखोगे कि उसके कार्पल जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, स्टिफ कर जाएंगे, या फिर पैडल वाली भी अगर इस तरह से पैर में भी आप असेस कर सकते हो, पैडल पे भी, पैडल में काफ एरिया है, काफ एरिया पे ब्लड प्रेशर कफ बांधे आप, काफ मसल वाले एरिया में, तो ब्लड प्रेशर कफ यदि अगर वहां पर आप बांध करके फुलाते हैं, इनफ्लैट करते हैं, तो इनफ्लैट करते ही पैडल जो मसल्स हैं वो स्टिफ कर जाएंगी और इसे कहते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। तो कार्पोपेडल स्पाज्म केवल किन लोगों में होता है? जिनमें कैल्शियम डिक्रीज्ड है या फिर जिनको टिटैनी हो रहा हो, तो देट आर इंडिकेटिंग द टिटैनी, या फिर क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया या टिटैनी कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय टू साइन इन द बॉडी, फर्स्ट इज द चोस्टेक एंड सेकंड इज द ट्रोसियस। तो चोस्टेक एंड ट्रोसियस, ट्रोसियस असेस करने के लिए आपको डिवाइस चाहिए, ब्लड प्रेशर कफ, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट।
तो देयर इज अ व्हेन यू इन्फ्लेट द ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ स्पाज्म इन द कार्पल मसल्स। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोनों दोनों ही साइन ऑफ द टिटैनी। किसके साइन है? टिटैनी के साइन है। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये किसका इमेज है बच्चों? ये ट्रोसियस का इमेज है और ट्रोसियस जस्ट इज अ स्पाज्म इन द कार्पल मसल्स। क्लियर हो गया है सबका? नेक्स्ट मूव करवाता हूं। नेक्स्ट बच्चे कुछ ट्रोसियस सिंड्रोम क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखें। ट्रोसियस सिंड्रोम माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। ऐसा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऐसा जैसे हमने कहा फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्लामेशन इन वेन ड्यू टू आईवी प्रोसीजर्स। बच्चों आईवी प्रोसीजर्स के कारण वेन्स में आने वाला इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? फ्लेबाइटिस कहलाता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? थ्रोम्बस प्लस इन्फ्लामेशन को क्या बोला? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट वेन की प्रॉब्लम होती है फ्लेबोथ्रोम्बस, तो जस्ट हम क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन विदाउट थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस विदाउट इन्फ्लामेशन दैट इज द फ्लेबोथ्रोम्बस। थ्रोम्बस प्लस इन्फ्लामेशन इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहां पर हमने कहा यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मूवेबल है, माइग्रेटरी है, लोकेशन चेंज करता है, तो इस तरह का जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है ऐसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को कहते हैं ट्रोसियस सिंड्रोम। कंफ्यूजन कभी ना हो आपको, इसलिए तीनों क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा एक साथ ही। ट्रोसियस सिंड्रोम किसको कहते हैं? माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को। नेक्स्ट होता है ट्रोसियस साइन, जो अभी मैंने बता दिया है, कार्पोबेडल स्पाज्म को कहते हैं। एक होता है ट्रोसियस साइन, ये टर्म ध्यान रखना, एग्जाम में जब ऐसा आ जाए तो ये मत सोचना कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। अरे टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई, ट्रोजियर साइन। ट्रोजियर साइन क्या है? पाल्पेबल लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, विर्चोज नोड कहते हैं इसको। जो हॉकिंस डिजीज में नोड्स का इन्फ्लामेशन होता है ना, उसको कहते हैं विर्चो नोड। विर्चो नोड कहां पर पाई जाती है? लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर एरिया में जो लिम्फ नोड होती है उसको विर्चो नोड कहते हैं। और विर्चो नोड कहाँ होती है? लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड होती है और ये पाल्पेबल होती है, और इसका पाया जाना, ऐसी लिम्फ नोड का पाया जाना ट्रोजियर साइन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ट्रोजियर साइन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटरवेंशन परफॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली फॉर रीनल स्टोन रिमूवल, बताओ आप। What is the name of this intervention performed frequently for renal stone removal? Renal stone removal के लिए जो ये therapy आप देख रहे हैं ये है बच्चों shock wave extracorporeal shock wave lithotripsy। इसको stone को break करना, stone को break किया जा रहा है, stone को break किया जा रहा है किससे? shock wave से। शोक वेव्स का यूज करके स्टोन ब्रेक करना। तो ये यहां पर जो वेव्स देख रहे हैं आप, ये वेव्स शोक वेव्स यूज करके ये स्टोन्स हैं, स्टोन्स ब्रेक कर दिए। स्टोन ब्रेक करने के बाद ये स्टोन यहां से रिलीज होकर यूरिन में आ गए, यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो रहे हैं। तो स्टोन को शोक वेव्स का यूज करके ब्रेक करना, शोक वेव्स का यूज करके और स्टोन को ब्रेक करना, और ब्रेक होने के बाद दीज स्टोन्स रिलीज्ड थ्रू द यूरिन, यूरिन के साथ ये स्टोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ऐसी जो स्टोन रिमूवल का थेरेपी होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शोक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL। क्या होता है? ESWL। ओके, नेक्स्ट जो ये थेरेपी आप देख रहे हैं ये वापस से एक और, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटरवेंशन परफॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली फॉर रीनल स्टोन रिमूवल। बच्चों ये भी रीनल स्टोन रिमूवल का दूसरा थेरेपी है, रीनल स्टोन रिमूवल का सेकंड थेरेपी है। और इस थेरेपी में हम क्या कर रहे हैं? क्यूटेनियस स्किन से होते हुए, क्यूटेनियस से होते हुए कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो उसके लिए हम सब क्यूटेनियस बोलेंगे, पर क्यूटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है स्टोन को ब्रेक करने का, ये है बच्चों पर क्यूटेनियस। कैसा? पर क्यूटेनियस। तो पर क्यूटेनियस क्यों बोला? क्योंकि इसमें हम क्यूटेनियस से होते हुए, स्किन से होते हुए नेफ्रोस्कोप इंसर्ट कर रहे हैं। नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करके और लार्ज स्टोन यदि है
तो इसको ब्रेक किया जाता है। तो लार्ज स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए हम ऐसा प्रोसीजर करेंगे, किडनी से हमें एक स्किन से क्यूटेनियस से होते हुए एक इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा, कौन सा, नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप डाल के स्टोन ब्रेक करेंगे और फिर ये यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में आएंगे और फिर इस तरह से रिमूव किया जाता है। तो इस तरह की जो थेरेपी, ये इस इमेज के अंदर जो आप देख रहे हो इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन क्या कहलाता है, PCNL पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, ये भी रीनल स्टोन के लिए है। बहुत ही जानदार और काफी वैल्यूएबल क्लास के क्वेश्चन है आज के, एक एक क्वेश्चन भारी पड़ेगा ये दिल्ली एम्स पे, ध्यान रखना बच्चों। आज ये जो आपके साथ आज की क्लास शेयर कर रहा हूं, चाहे मुझे 2 घंटे लग जाए या 3 घंटे लग जाए, आज 1 बज जाए चाहे रात की, लेकिन पूरा पढ़ा के जाऊंगा आज, ठीक है ना। आप तैयार रहना बस, आज चाहे कितनी भी बजे लेकिन क्लास पूरी आज की आज ही करेंगे और हर लेक्चर में। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन कम सोलूंगा यार, और अगर मेरे ऐसा करने से बच्चों का भला होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन कम सोलेंगे, जो 2 घंटे सोने के हैं वो कम कर दूंगा, राइट बच्चों। इसलिए आप तो बिल्कुल रात को नेट एक तो अच्छा रखा करो और एक आप पढ़ाई पूरा बढ़िया अच्छे से बैटरी वैटरी चार्ज कर लिया करो दिन में, और दिन में बाकी एक्टिविटी में नेट खर्च मत किया करो, ठीक है, नेट वगैरह पूरा बचा के रखा करो। मैं जिंदगी, अरे मैं ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हूँ, जिंदगी भर से सोते आ रहे हो, कुछ फायदा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ ना। अगर मेरे थोड़े से परिश्रम करने से बच्चों के पेपर अच्छे चल जाते हैं ना, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं इसमें बहुत खुश होऊंगा कि आपका सबका दिल्ली एम्स बढ़िया चल रहा है, दिल्ली एम्स बहुत बेटर चला जाए आपका, इसकी मुझे सबसे अच्छी खुशी होगी, अंडरस्टैंड। तो चाहे मैं कम सो लूंगा, कम खा लूंगा, कम पहन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं कर सकता हूँ, अगर थोड़े से दिन की बात है। फिर उसके बाद अपन यूजुअली वही 1 घंटे वाली क्लास लेंगे जैसे लेते आ रहे हैं, नॉर्मल मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन। लेकिन अभी थोड़े दिन दिल्ली तक तो कठिन परिश्रम की जरूरत है बच्चों, और यदि अगर ये परिश्रम कर लिया तो एक बार सक्सेस अगर आप हो गए तो फिर उसके बाद आपको हमेशा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाइफ टाइम आपको जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, अंडरस्टैंड। तो चलो जो भी करना है करना है। तो ये जो थेरेपी आप देख रहे हैं ये क्या है, PCNL है, पर क्यूटेनियस शॉक वेव नेफ्रोलिथोट्रिप्सी है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जैक्सन प्रेड है। जैक्सन प्रेड बच्चों यूज किया जाता है सर्जिकल ड्रेनेज को ड्रेन करने के लिए, इसके बारे में ध्यान रखना। सर्जिकल ड्रेनेज को ड्रेन करने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम यूज करते हैं वो जैक्सन प्रेड होता है, और जैक्सन प्रेड ड्रेनेज सिस्टम एक तरह का क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है। तो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, और सर्जिकल आफ्टर सर्जिकल केसेस में हम ड्रेनेज के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन ऐसे आता है, केवल क्वेश्चन देख लो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस ऑफ क्रिस्टल्स। अब मैं इसको जितने स्टार दूने कम है, ये दिल्ली एम्स का शोर क्वेश्चन है ये, राइट। और जो भी लेक्चर आज आप पढ़ रहे हो ना वो दिल्ली एम्स के लिए तो यूजफुल है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ ही PGI के लिए भी बहुत यूजफुल है। और जो आप दोगे नेक्स्ट एम्स, एक नेक्स्ट 2 एम्स की जो फॉर्म अभी चल रहे हैं, पटना और नागपुर, दोनों के फॉर्म्स, दोनों के एग्जाम में भी आपको यही क्लासे काम आएगी। तो जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ ना इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो देखिएगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोन ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन से टाइप के स्टोन है बच्चों, ऐसा इमेज देते हैं हमें, और इमेज देख के ये पूछा जाता है कि पहचानो ये कौन से स्टोन है। तो ध्यान रखना, मैं पढ़ा देता हूँ इस टॉपिक को। ये इमेज है और ये बहुत ही मोस्ट इमेज है। सबसे पहला स्टोन होता है बच्चा कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम ऑक्सेलेट। ये जो स्टोन की इमेज देख रहे हो, ये स्टोन कैसा है, कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन है। ये जो इमेज देख रहे हो आप, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन है। कैल्शियम ऑक्सेलेट स्टोन कैसा होता है, एनवेलप्ड होता है और बाई पिरामिड होता है। इसके दो फीचर याद रखना, एक तो एनवेलप्ड होता है, एनवेलप्ड मींस ऐसा लगता है जैसे लिफाफे में पैक हो रहा हो, पैकिंग होती है इसके ऊपर, तो एनवेलप्ड। ये जो स्टोन दिख रहे हैं ये स्टोन आपको ऐसे दिखेंगे बच्चों, एनवेलप मींस यानी कि पैक्ड स्टोन है किसी की, जैसे लिफाफे में पैक हो रहा हो ऐसा एनवेलप्ड स्टोन दिखे। और दूसरा, दोनों साइड से पिरामिडल दिखे, बाई पिरामिडल दिखे। तो बाई पिरामिडल और एनवेलप वाले जो स्टोन होंगे वो स्टोन होंगे कैल्शियम ऑक्सेलेट के। तो इस तरह के स्टोन का क्रिस्टल अगर आपको देखने को मिले तो ये कैल्शियम ऑक्सेलेट वाला स्टोन है। बच्चों यदि अगर स्ट्रूवाइट स्टोन की बात करते हैं तो स्ट्रूवाइट स्टोन का हमेशा
कोफिन लिड, ये ध्यान रखना, कोफिन लिड इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, कोफिन लिड इस तरह का, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे कि कोफिन लिड मतलब एक तरह से हिंदी में तो मुझे नहीं पता बच्चों, इसका देख लेना आप लोग वहां नेट पे सर्च मार के, कि बाद में देख लेना क्लास के बाद, कोफिन लिड, ठीक है ना। तो स्ट्रुवाइट स्टोन का जो शेप होता है वो होता है कोफिन लिड टाइप का। नेक्स्ट बच्चों, यदि अगर मैं कहूं आपसे कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट जो स्टोन होते हैं वो डंबल शेप के या हार ग्लास शेप के होते हैं, या तो डंबल शेप के, ये देखो ऐसा स्टोन दिखेगा, जैसे शेप का आरबीसी होता है ना, आरबीसी के शेप का अगर स्टोन दिखे, आरबीसी की शेप जैसा, डंबल शेप वाला, डंबल जैसा, तो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट होगा। बच्चों यूरिक एसिड का स्टोन अगर दिखता है तो वो होगा मल्टीफेसेट इरेगुलर प्लेट और रोसेट्स, इस तरह का स्टोन जो दिख रहा है ये यूरिक एसिड स्टोन है। नेक्स्ट निडिल शेप का अगर ऐसा आपको दिखता है, निडिल शेप जैसा, तो निडिल शेप वाला जो स्टोन होता है वो ब्रूस हाइट स्टोन है। कौन सा? ब्रूस हाइट स्टोन। तो ब्रूस हाइट स्टोन किस टाइप के? निडिल शेप के स्टोन। बच्चों सिस्टीन स्टोन जो होते हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, सिस्टीन स्टोन सबसे ज्यादा चांस है आपसे पूछने का। एक तो सिस्टीन का शेप होता है हेक्सागोनल। कैसा? हेक्सागोनल, छह कोनों वाला। तो हेक्सागोनल या बेंजीन रिंग जैसा, ऐसी बेंजीन रिंग देखी है आपने, ये ऐसी होती है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग जैसा छह कोने वाला, छह कॉर्नर वाला अगर स्टोन मिले तो छह कॉर्नर वाला स्टोन कैसा स्टोन होगा? सिस्टीन स्टोन। तो सिस्टीन स्टोन कौन सा होगा? छह कॉर्नर वाला स्टोन होगा, हेक्सागोनल। और एक कैल्शियम ऑक्सलेट कैसा होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट होगा एनवेलप और बाई पिरामिडल। डंबल शेप का कौन सा होगा? डंबल शेप कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। और निडिल शेप का कौन सा होगा? ब्रूसाइट स्टोन। और यूरिक एसिड का स्टोन जो होता है मल्टीफेसेट होता है, इस तरह का, ऐसा मल्टीफेसेट इरेगुलर प्लेट जैसा स्टोन। ओके, ये है बच्चों स्टोन के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दिल्ली के अंदर वो होता है बच्चों ये बर्न का, और बर्न का इमेज आपसे पूछा जाता है कि बर्न में, ये जो फर्स्ट आप बर्न देख रहे हो, ये बर्न में केवल मात्र क्या हो रहा है बच्चा? इपिडर्मिस डैमेज हो रहा है। और ऐसा बर्न जिसमें केवल इपिडर्मिस डैमेज होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री बर्न। ऐसा बर्न जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये बर्न है बच्चों जिसमें इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर तक बर्न हो रहा है, इपिडर्मिस और डर्मिस तक यदि बर्न हो रहा हो तो ये बर्न कहलाता है 2nd डिग्री बर्न। और 2nd डिग्री बर्न ही सबसे ज्यादा पेनफुल बर्न होता है। तो याद रखना मोस्ट पेनफुल बर्न कौन सा होता है? 2nd डिग्री होता है। और 2nd डिग्री बर्न के अंदर ही ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्ट पेनफुल बर्न कौन सा? 2nd डिग्री। और ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी किसमें होता है? 2nd डिग्री के अंदर। 1 डिग्री बर्न में केवल इपिडर्मिस डैमेज होता है और यहां पर इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज होता है। बच्चों 3rd डिग्री बर्न में इपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, फर्स्ट इपिडर्मिस डैमेज हो गया, डर्मिस हो गया, सबक्यूटेनियस तक यदि अगर बर्न हो जाए तो दैट इज द 3rd डिग्री बर्न। अंडरस्टैंड बच्चों? और 3rd डिग्री बर्न के केस में होता है एडिमा फॉर्मेशन। तो एक तो ये क्वेश्चन याद रखना, एडिमा फॉर्मेशन कौन सी बर्न में होगा? 3rd डिग्री में। मोस्ट पेनफुल बर्न कौन सा? 2nd डिग्री। बच्चों ब्लिस्टर किसमें बनेंगे? 2nd डिग्री में। देन आपसे कहा जाए कि 1st डिग्री बर्न सुपरफिशियल, इनके नाम भी बता देता हूं, इसको कहते हैं सुपरफिशियल बर्न 1 डिग्री को, 2nd डिग्री को कहते हैं बच्चों पार्शियल थिकनेस बर्न, 3rd डिग्री को कहते हैं फुल थिकनेस बर्न और 4th डिग्री को कहा जाता है डीप फुल थिकनेस बर्न, DFT, डीप फुल थिकनेस। तो सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न और डीप फुल थिकनेस बर्न, ये है 4th डिग्री। 4 डिग्री तक बर्न होता है बच्चों। सबसे ज्यादा पेनफुल 2nd डिग्री, ब्लिस्टर किसमें बनेंगे? 2nd डिग्री में। तो केवल देखो इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये यहां तक याद रखो। इपिडर्मिस केवल बर्न है तो 1 डिग्री,
इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों है तो सेकेंड डिग्री, इपिडर्मिस डर्मिस और सबक्यूटेनियस तक बर्न है तो थ्री डिग्री, ये इमेज देख के आपको पहचानना होगा। ओके नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर के स्टेजेस, ये भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है प्रेशर अल्सर के स्टेजेस। अब बच्चों प्रेशर अल्सर में भी हम कहते हैं कि चार स्टेजेस तक बात करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होगा, स्किन इंटैक्ट रहेगा, स्किन डैमेज नहीं होता है। तो देखो अगर मान लो बच्चों अल्सर पे केवल रेडनेस है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो फर्स्ट वाला, इसमें केवल अल्सर है और अल्सर में ओनली रेडनेस हो रहा है, तो अल्सर है और ओनली रेडनेस है, स्किन इंटैक्ट है, स्किन डैमेज नहीं हुआ, तो ऐसा अल्सर ऐसा प्रेशर सोर, बेड सोर, ऐसा बेड सोर जिसमें बच्चों स्किन डैमेज नहीं होता हो, स्किन इंटैक्ट रहता हो, केवल रेडनेस हो, तो वो है बच्चों 1 डिग्री प्रेशर अल्सर। जब इपिडर्मिस प्लस डर्मिस डैमेज हो जाए, क्या बोला मैंने, इपिडर्मिस प्लस डर्मिस डैमेज हो गया हो लेकिन सबक्यूटेनियस विजिबल नहीं हुआ, क्या कहा मैंने, इपिडर्मिस प्लस डर्मिस यानी अल्सर हो रहे हैं, प्रेशर अल्सर हो रहे हैं, स्किन पर ओनली रेडनेस है, स्किन डैमेज नहीं हुआ, 1 डिग्री प्रेशर अल्सर। बच्चों डर्मिस और इपिडर्मिस डैमेज हो गया लेकिन सबक्यूटेनियस नहीं दिख रहा है, ऐसा अल्सर कहलाएगा 2nd डिग्री। इपिडर्मिस और डर्मिस डैमेज हो गया और सबक्यूटेनियस दिखने लगा, यदि सबक्यूटेनियस विजिबल हो जाए तो दैट इज द 3rd डिग्री प्रेशर अल्सर। बच्चों इपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस तक डैमेज हो जाए तो दैट इज 4 डिग्री प्रेशर अल्सर। अंडरस्टैंड बच्चों, प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए, प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए ब्रेडन स्केल आपको याद रखना है, ब्रेडन स्केल के लिए आप याद रखना MSN, ब्रेडन स्केल के क्राइटेरिया याद रखना MSN FEM, M फॉर मॉइस्चर या मोबिलिटी, MSN FEM याद रखना, ट्रिक याद रखना, ये ब्रेडन स्केल के पैरामीटर, मोबिलिटी, S फॉर बॉडी में कितने सेंसेशन है, बॉडी में सेंसेशन को कहेंगे आप S, N फॉर पेशेंट का न्यूट्रिशनल इंटेक कैसा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल इंटेक जिसका कम होता है उसको अल्सर की संभावना ज्यादा होती है, F क्या होता है, फ्रिक्शन, राइट, A क्या होता है, पेशेंट की एक्टिविटी, पेशेंट एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, M क्या होता है, मॉइस्चर, पेशेंट जहां पर लेटा हुआ है जिस बेड के आसपास तो वहां पर मॉइस्चर कितना है। अब आती है इन सब के स्कोरिंग, तो स्कोरिंग में बच्चों लोवेस्ट स्कोर कितना दोगे और हाईएस्ट स्कोर कितना दोगे, तो मैं याद करा देता हूं, लोवेस्ट स्कोर सबके लिए कम से कम 1 होता है, तो मिनिमम स्कोर 1 होगा, तो मिनिमम स्कोर 6 हो सकता है, 6 1 1 1 1 फॉर ईच पैरामीटर, टोटल मिनिमम स्कोर कितना, 6। बच्चों मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम स्कोर में याद रखना ओनली फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी सबको लिए मैक्सिमम 4 स्कोर होता है, बाकी सबको केवल ओनली फ्रिक्शन को छोड़कर के बाकी सबके लिए मैक्सिमम 4 स्कोर दिया जाएगा, ओनली फ्रिक्शन के लिए 3 स्कोर यूज करना है, तो ओनली फ्रिक्शन में 3, बाकी सब में 4 4 4 4 और 4।
टोटल हाईएस्ट स्कोर 23। तो मिनिमम स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल, ब्रेडन स्केल का मिनिमम स्कोर होता है बच्चा 6 और मैक्सिमम स्कोर होता है 23। मैक्सिमम स्कोर 23 और मिनिमम 6। ओके, ये स्कोर किसका है? एमएसएन फैम ब्रेडन स्केल का। हो गया। लास्ट ये जो देख रहे हो आप, ये 20 में क्वेश्चन पढ़ो। दिस पिक्चर depicts the examination of thyroid gland, choose the correct answer. Pizzillo's method कहते हैं, direct answer बता रहा हूं। Thyroid gland को inspect करना, thyroid gland का inspection करना, thyroid gland का assessment या inspection करने का नाम क्या होता है method का? Method का नाम याद रखना, method को बोलते हैं Pizzillo's method। क्या कहते हैं? Pizzillo's method। तो Pizzillo's method कौन से assessment के लिए काम में आता है? Reverse question भी आ सकता है। Pizzillo's method कौन से असेसमेंट के लिए यूज करते हैं? तो थायरॉइड एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, Pizzillo's method को। नेक्स्ट, ये जो टेस्ट आप देख रहे हो, ये टेस्ट क्या है? ये असाइट्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। तो दिस टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द असाइट्स, दिस टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द असाइट्स। ये जो टेस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले भी मैं एक बार पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, दोबारा आज फिर मैंने बता दिया। तो दिस टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द असाइट्स। वाओ बच्चों, इट्स ग्रेट अचीवमेंट, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लेक्चर इज फिनिश्ड। क्लियर है दोस्तों? ढाई घंटे की क्लास हो गई है, शायद आपको 2-3 टुकड़ों में देखनी पड़ेगी, तो कल दिन भर में आप देख लेना अच्छे से और रिवाइज कर लेना दोस्तों। पूरा बहुत ज्यादा धमाकेदार, बहुत पावरफुल क्लास थी आज की, बहुत खतरनाक क्लास है दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाहर करीब हम लोगों को एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आज की क्लास में से 10 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन कल की क्लास में से मिल सकते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन तो अपन कंफर्म कर चुके हैं 2 क्लास पढ़ करके। ओके, तो दोस्तों थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ रही है, लेकिन मजा आ जाएगा दिल्ली एम्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अब आज्ञा दीजिए आप, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच, आई एम सो लेट टुडे, और लव यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, आई विशिंग फॉर योर ब्राइट करियर, ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।